नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी की पूरी हिस्ट्री, ठीक है। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, मतलब कि सारे फैक्ट भी देखेंगे इसमें। और प्लस जो है मेंस में, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया कि जो है डिस्कस हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर कमेंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन आ गया, तो आप जो है सब कुछ इसमें देख पाएंगे। इसमें जो है आपका यूपी जीके का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यूपी की ज्योग्राफी का मैंने एक पूरा वीडियो अलग से बनाया था, मैप में पूरा समझाया हुआ है, आप अब देख लीजिएगा उसको। प्लस एक यूपी जीके की हमारी प्लेलिस्ट है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें सारे जो इंपॉर्टेंट यूपी जीके के पार्ट्स हैं, जैसे कि यूपी में ट्राइब्स कैसे कैसे हैं, यूपी में कल्चर क्या क्या है, प्लस यूपी में फेयर्स कौन कौन से होते हैं, यूपी का सेंसस, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब उसी प्लेलिस्ट में दी हुई है। हालांकि वो कंप्लीट नहीं है, अभी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। यूपी जीके का पापा वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ये हमारे कुछ पेड कोर्सेज हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री वाला जो है चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको, क्योंकि यूट्यूब में सारे नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। अब देखिए, इसमें अगर आपको एक बात बताता हूँ, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, आपको किसी भी स्टेट की अगर हिस्ट्री पढ़नी हो तो जो भी इंडिया में, जैसे अगर आप किसी की भी जो इंडिया की हिस्ट्री होगी एक्चुअली, या फिर किसी देश की जो हिस्ट्री होगी वही होती है स्टेट की। अब यूपी का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वैदिक सिविलाइजेशन हो, चाहे मगध राज्य हो, चाहे मौर्य राज्य हो, चाहे जो है कन्नौज का जो है ट्राइपार्टाइट जो है स्ट्रगल हो, सारे के सारे यूपी में ही हुए हैं। तो यूपी को कई दिनों तक मध्य देश बोला जाता था। यूपी इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे अयोध्या है, यूपी इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे मुगल आए, यूपी इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत आए। तो मतलब यूपी की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो पूरा, मतलब जब से इंसानी सभ्यता जो है वो सब चालू हुई है, वहाँ से आपको यहाँ पे इसको ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, मैं यहाँ पे जो है पीपीटी इंग्लिश हिंदी दोनों में बनाया, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पे देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ पहले, ठीक है। तो सब कुछ मिला जुला है, बस आप भाषा पे ध्यान दीजिएगा, बोलचाल वाली भाषा में जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिएगा, ठीक है। तो यूपी की हिस्ट्री जो है पैलियोलिथिक एज से आप चालू कर सकते हैं, पैलियोलिथिक, ठीक है, फिर आपका मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक, ठीक है। ये क्या होता है, ये प्रोटो हिस्ट्री होता है, मतलब कि इसमें इंसान को लिखने का कुछ नहीं उसके पास था, सिंपल बात ये, सिंपल लेमन वाली भाषा में ये समझिए। फिर जब लिखने वाला आया तो उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, मतलब लिखने वाला आया लेकिन वो लिख नहीं पाया, ठीक है, उसके पास औजार आने लगे, और फिर फाइनली जब वो लिखने लगा है सब कुछ बिल्कुल जो है इवेंट्स, तो उसको बोलते हैं हिस्ट्री। मतलब कि प्रोटो हिस्ट्री, प्री सॉरी ये क्या बोलेंगे इसको, प्री हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जब लिखने वाला कुछ नहीं था, और हिस्ट्री क्या है, जब लिखने वाला चालू कर दिया, और उसके बीच के पीरियड को बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री। इसको हिंदी में भी बताएंगे अभी, प्रागैतिहासिक काल, आदिवासी काल और प्लस इतिहास, वो सब बोलते हैं इसको। तो हिस्ट्री ट्रेस करेंगे तो पैलियोलिथिक हो गया, फिर मीजोलिथिक हो गया, फिर नियोलिथिक हो गया। मतलब पैलियोलिथिक में इंसान कुछ नहीं जानता था, थोड़े बहुत जानवर पालता था, फिर थोड़े थोड़े टूल्स आने लगे, फिर और उसको शार्प कर लिया तो नियोलिथिक हो गया, फिर चालकोलिथिक यानी कि इंडस वैली वाली एज आ गई, फिर ब्रॉन्ज एज आ गई, ठीक है। सबसे पहले जो है इंसान ने कौन सा जो है मेटल डिस्कवर किया था, वो था कॉपर, ठीक है। फिर उसके बाद आयरन एज आ गई यानी कि वैदिक एज आ गई, फिर मिडिल किंगडम आ गए, जैसे यूपी में अगर आप देखेंगे जो मौर्य है, प्लस मगध में कई सारे एम्पायर थे, हर रैंक हो गया और बहुत सारे हो गए, अभी हम लोग देखेंगे पूरी लिस्ट। फिर जो है लेट मिडिवल पीरियड आ गया, दिल्ली सल्तनत का पीरियड आ गया, इसके बीच में जो है नाइन्थ सेंचुरी एडी में अगर आप देखेंगे तो कन्नौज बहुत बड़ा सेंटर बन गया था, वहाँ पर हर्षा का रूल हुआ करता था, ठीक है, उसकी वजह से जो है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हो रहा था। फिर ये मॉडर्न पीरियड आया, यानी कि यहाँ पे कौन आ गए, मुगल, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आ गए, फिर कॉलोनियल स्टेट आ गए यानी कि ब्रिटिशर्स आ गए। ये इंग्लिश के कुछ स्लाइड डाली हैं लेकिन मैं सब कुछ हिंदी में भी यहाँ पे दिया है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे वीडियो को स्किप मत करिएगा, मोस्टली सब स्लाइड हिंदी में ही है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में इंग्लिश में इसलिए डाली क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों का बैलेंस रखना था मुझे। तो यूपी को बोलते हैं क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि जो है ये पालना है इंडियन सिविलाइजेशन का, ये ठीक है, भारतीय सभ्यता का इसको पालना बोलते हैं, इवन बुद्धिज़्म का भी पालना बोलते हैं क्योंकि बुद्धिज़्म के बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे यहाँ पे। प्लस कई सारे जो है बुद्धिज़्म के, जैसे कि पहला जो जो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और प्लस यूपी ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंशियंट टाउन्स भी हैं, ठीक है,
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद ये जो स्टेट है इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, आज भी निभा रहा है। 21 करोड़ की आबादी के साथ यूपी में 80 जो है लोकसभा की सीटें हैं, 31 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। सबसे ज़्यादा जो है अगर आपको मतलब किसी भी जो इंडिया में किसी को भी प्रधानमंत्री बनना होता है यूपी का फोकस उस पर सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। यूपी में ही जो है कल्चरल हेरिटेज में अगर आप इसको ट्रेस करेंगे तो रामायण और महाभारत यहीं लिखी गई ऐसा बोलते हैं। जो रामायण की कहानी है वो क्या है, इक्ष्वाकु करके डायनेस्टी थी कोसल की, और महाभारत की जो है कुरु डायनेस्टी जो हस्तिनापुर की थी, ये इनसे रिलेटेड है। उसके अलावा देखिए कई सारे जो है यहाँ पे सेजेज या साधु संत के हैं यहाँ पे, जैसे रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने, तो उनको बोला गया कहाँ पे ये लिखी थी, ये बिठूर में, कानपुर के में जो बिठूर वाली जगह है वो वहाँ पे, ठीक है। सीतापुर में जो है एक सूता ने ये पूरी की पूरी महाभारत की स्टोरी को नरेट किया था। स्मृति और पुराण कई सारे जो है यहाँ पे लिखे गए हैं। गौतम बुद्ध, महावीर, महा जो है मक्का लिपुत्ता गोशल जो ये थे, ये कौन थे, जिन्होंने आजीविका सेक्ट को फाउंड किया था। ये कहाँ पे किया था, श्रावस्ती में, ये भी यूपी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मतलब यूपी में कई सारे जो है एंशियंट प्लेसेस हैं, कई सारे मंदिर हैं, कई सारी मस्जिदें हैं, कई सारे जो है मुस्लिम हेरिटेज वाले जो है आज भी, जैसे ताजमहल हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, ठीक है। प्लस जो है अयोध्या में जैसे राम जन्मभूमि हो गई, मथुरा हो गया, मथुरा को बोलते हैं कि इसको जो है इस कल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बुद्धिज़्म जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है इसका, जैनिज़्म का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यूपी में। जैसे अगर आप देखें तो अगर जो जैनिज़्म है, जैसे जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, ये सब हिंदी में लिखा हुआ है आगे, इनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर यूपी के थे, ये एक इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखिएगा। उसके बाद और भी कई सारे तीर्थंकर हुए, जैसे कि पार्श्वनाथ हो गए, शंभरनाथ हो गए, चंद्रप्रभा हो गए, ये सारे के सारे जो थे ये यूपी में ही पैदा हुए और यहीं पे इन्होंने कैवल्य अटेंड किया। बुद्धिज्म में क्या कॉन्सेप्ट होता है, निर्वाणा, और जैनिज्म में क्या होता है, कैवल्य, ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले लेक्चर में बताया गया, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, फिर से यहाँ पे नहीं बताऊंगा अभी। उसके अलावा देखिए जैन स्तूपा के कई सारे जो है आज भी रिमेन्स हैं, मतलब कि बच्चे कुछ अवशेष हैं। प्लस जो है मथुरा में मंदिर भी बने हुए हैं, श्राइन्स भी बनी हुई हैं, और प्लस और भी है देवगढ़ में, चंदेरी में, और भी जगह। तो जैनिज्म का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है यहाँ पे। जो बुद्धिज़्म के फाउंडर थे गौतम बुद्धा, उनका जन्म भले ही नेपाल में हुआ हो लेकिन उनके जो फादर थे और मदर दोनों ही यूपी से एसोसिएटेड थे, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। बुद्धा का पहला जो सेरमन हुआ था, जहाँ पे उपदेश दिया था उन्होंने, वो यहीं पे हुआ था सारनाथ में, और सारनाथ को ही बर्थ प्लेस बोला जाता है किस चीज़ का, धम्मा और संगा का। एक होता है थ्री जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म, इसको ट्रिक में बोलेंगे BDS। एक तो बुद्धा ही हो गया, एक धम्मा हो गया, एक संगा हो गया, ठीक है। तो ये होली ट्रिनिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको यूपी को बुद्धिज़्म का क्रेडल बोलते हैं, पालना बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप रूट है। यहाँ पे कई सारे राजा जो थे वो यहाँ पे बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, उन्होंने बुद्धिज़्म को प्रमोट करने की कोशिश करी। मथुरा को इवन ये कहा जाता है कि बर्थ प्लेस है ये इंडियन स्कल्पचर का, ये सब हिंदी में लिखा हुआ है आगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे लिबरल ट्रेडिशन, फिर देखिए सूफी वाला जो है प्रभाव, सूफिज़्म वाला भी यहाँ पे यूपी में डेवलप हुआ। अब देखिए यूपी में अगर आप बात करेंगे तो गोल्डन एज किसको बोलते हैं, यूपी में क्या, इंडिया में ही बोलते हैं, जैसे गुप्ता जो है एज को गोल्डन एज बोलते हैं, डार्क एज बोलते हैं दिल्ली सल्तनत को, ठीक है। तो G फॉर जो है गोल्डन, और G फॉर गुप्ता, और D फॉर डार्क, D फॉर दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप याद रखिएगा, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ ट्रिक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। वाराणसी जो है एक प्रोमिनेंट सेंटर था हिंदू लर्निंग के लिए, और जौनपुर जिनको कि शार्की रूलर्स ने यहाँ डेवलप किया था उसको बना दिया गया था, ये इस्लामिक कल्चर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सेंटर। जौनपुर को सिराज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट GK के क्वेश्चन है, जो प्री की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, मैं कई सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म जो है यूपी को बोलते हैं, सिराज ऑफ इंडिया जौनपुर को बोलेंगे, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पे और भी जैसे कई सारे सूफिज़म्स भी यहाँ हिंदू की थॉट और फिलोसफी से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया। रामानंद और उनके जो फेमस डिसाइबल यानी कि जो फॉलोअर शिष्य थे कबीर, प्लस और भी सेंट जैसे रविदास, दरिया साहब, गुरु गोरखनाथ, ये सारे के सारे जो है यहाँ पे यूपी के कल्चर से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट समरी थी। और यूपी में फिर धीरे धीरे जो है मतलब कुल मिला के जो है आप अगर देखेंगे जहाँ से मानव सभ्यता चालू हुई है वहाँ से लेके पूरा का पूरा जो है इतिहास है यूपी का पूरा,
ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, कई बार इसको मध्य देश बोला गया, ब्रिटिशर्स के टाइम में कभी इसको बोला गया प्रोविंस ऑफ, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, फिर कभी बोला गया अवध, कभी इसकी जो है कैपिटल यहाँ पे इलाहाबाद रखी गई, फिर जो है लखनऊ कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें हैं यूपी की हिस्ट्री में आती हैं। अब देखिए वही सब चीज़ें फिर से सिस्टमेटिक इतिहास तीन टाइप में होता है, प्रागैतिहासिक मतलब प्री हिस्ट्री, मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, उन सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव लेखन कला से परिचित जो है था, और पाषाण काल जो पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर था वो, ठीक है। इसमें धातुओं का प्रयोग था, लिपि का ज्ञान रहा है, लेकिन कोई जो है साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहा है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई साक्ष्य नहीं है, नहीं यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी हुई, यहाँ पे परिचित नहीं अपरिचित होगा। तो प्रीस्ट मैंने आपको बताया कि क्या है, मानव जो है लेखन कला से अपरिचित था, ठीक है, तभी तो ये प्री हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब है जहाँ से लिखना चालू कर दिया आपने। प्री हिस्ट्री का मतलब कोई साक्ष्य नहीं था आपके पास, और जो स्टोन वाले जितने भी टूल्स थे उन पर सीधा सीधा डिपेंडेंट था ये, ठीक है। और फिर जिनमें जो है धातुओं का प्रयोग हुआ हो, लिपि का ज्ञान रहा हो वहाँ पे, ठीक है, स्क्रिप्ट पता हो लोगों को, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं है, वो है प्रोटो हिस्ट्री। मैंने बताया आपको जब हिस्ट्री है मतलब लिखने वाला चालू, प्री हिस्ट्री मतलब कि आपके पास लिखा हुआ कुछ नहीं है, इसके बीच का पीरियड है प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, लिखित साक्ष्य वाले सभ्यताओं और घटनाओं का को जो है अध्ययन इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रागैतिहासिक काल को बोलते हैं जो है पाषाण काल, स्टोन एज, तीन टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें जो है यहाँ पे यूपी में ये कब, भारत में मतलब कब से चालू हुआ इसकी खोज, 1863 से। इसमें जो है विशन रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को जो है पल्लावरम तमिलनाडु में एक स्टोन टूल मिला, और तब से लेके यूपी के कई प्लेसेस में ऐसे जो है आपको ये मिले हुए हैं स्टोन टूल, या फिर जो बोलते हैं पाषाणोपकरण, बड़ा कठिन सी हिंदी है इसकी, चलिए मैं बताता जा रहा हूँ फिर भी। पाषाणिक संस्कृति को बोलते हैं स्टोन कल्चर, ठीक है। तीन पार्ट हैं इसके, पूरा पाषाण को क्या बोलेंगे, पैलियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन एज, ठीक। मध्य पाषाण काल को क्या बोलेंगे, मीजोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन एज। नव पाषाण काल को क्या बोलेंगे, नियोलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज। देखिए इसमें सिंपल ये है कि इसमें केवल जानवर वानवर चराना आता था, थोड़ा बहुत इसमें आग वाग सीख गया, ठीक है, और थोड़े जो है टूल्स को यूज़ करना सीख गया, और इसमें बहुत शार्प हो गए टूल, तो मतलब कुल मिला के प्रोग्रेसिव है ये, ठीक है, कि जितना यहाँ पे डेवलपमेंट था उससे ज़्यादा यहाँ पे हुआ, उससे ज़्यादा न्यूलिथिक में हो गया, ठीक। तो टूल के बेसिस पे ही ये सब चीज़ें जो है डिवाइड होती हैं। पहले सिर्फ चॉपर यूज़ करते थे, फिर और भी जो है फूड प्रोसेस को प्लस ये पेड़ को तोड़ने और इन सब में ये यूज़ होने लगा। तो उत्तर प्रदेश में जो पूरा पाषाणकालीन यानी कि स्टोन एज जो सभ्यता है इसके, अब देखिए इसमें एक चीज़ मैंने ये पढ़ के देखी कि जो स्टोन एज है जैसे पैलियोलिथिक हो गया, मीजोलिथिक हो गया, नियोलिथिक हो गया, इन तीनों के जो जहाँ जहाँ भी साक्ष्य मिले हैं वो बस ये इलाहाबाद की बेलन घाटी आप याद कर लो, सोनभद्र याद कर लो, कुछ ना याद आए एग्जाम में तो कम से कम इन दोनों का नाम तो लिख ही देना। इन दोनों जगह में ये तीनों टाइप के जितने भी जो है प्री हिस्ट्री के एज थी तीनों के साक्ष्य मिले हैं। जैसे आपके अगर आप देखेंगे इलाहाबाद के बेलन घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी तथा चंदौली के चकिया नामक पुरस्थलों से प्राप्त हैं। बेलन नदी जो घाटी के पुरस्थलों की खोज और खुदाई इलाहाबाद के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराया गया था, ठीक है। फिर बेलन घाटी में लोहदा नाला क्षेत्र नामक स्थल से पाषाण उपकरण यानी कि स्टोन टूल्स मिले हैं, और प्लस इसमें एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की यानी कि बोन से जो है बनाई हुई देवी की एक यहाँ पे मूर्ति भी मिली है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। और इन सब साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो यहाँ पे जैसे पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल मतलब क्या हो गया, पैलियोलिथिक, तो पैलियोलिथिक में इनको आग नहीं पता थी, कृषि कार्य भी जो है नहीं पता थे, गृह निर्माण का भी मतलब हाउस बना नहीं पाते थे ये, प्लस जो है एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाते थे, और प्लस जो है फायर के बारे में भी नहीं पता था। लेकिन ये लोग कुछ कुछ जो है एनिमल रियरिंग जानते थे, पशुपालन से जो है थोड़ा सा संबंधित ये साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। फिर अगर आप मध्य पाषाण यानी कि मीजोलिथिक की बात करें तो देखिए मैंने बताया आपको मिर्जापुर सोनभद्र, ठीक। फिर जो है बगरीखेर और लेहिया ले खैया में जो है और इलाहाबाद में इनके जो है यहाँ मिले हुए हैं, ये कुछ कुछ यहाँ पे अवशेष मिले हुए हैं। इसमें यहाँ पे जो यहाँ पे आपके उपकरण थे मतलब जो टूल थे वो काफ़ी सूक्ष्म थे, मतलब काफ़ी फाइन थे एज़ कम्पेयर टू जो पैलियोलिथिक वाले थे, ठीक है, चिकने थे, सुंदर थे। इसमें 50 जो है शवाधान मिले हैं, जो आपके शव वाले होते हैं
मतलब कि जो क्या बोलेंगे उनको, मतलब ब्यूरियल जो साइट्स हैं वो मिली हुई हैं, ठीक है, जिसमें जो मृतक का सर है वो पश्चिम की ओर था, ठीक है, पश्चिम की ओर मिला हुआ है। तो इससे मतलब ये सब पता लगा कि जो जैसे पैलियोलिथिक जो एज थी, यानी कि पूरा पाषाण जो काल था, उसके कंपैरिजन में मीजोलिथिक में थोड़े डेवलपमेंट हुए कि जो है मानव थोड़ा बहुत कृषि जान गया, पशुपालन जो है जान गया, यहाँ पे मृतक की अंत्येष्टि करना मतलब ब्यूरियल करना जो है बॉडी का, ये जान गया, और प्लस आग पर भोजन पकाने से परिचित हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो गया। फिर उसके बाद और अगर आप आगे चलेंगे नवपाषाण यानी कि नियोलिथिक एज में क्या क्या हुआ, इसके भी साक्ष्य देखिए, वही इलाहाबाद की बेलन घाटी, उसमें कोल्डी हुआ, या फिर महगढ़ा और पंचोल स्थलों पर, प्लस मिर्जापुर सोनभद्र, मैंने बताया आपको इलाहाबाद और सोनभद्र का नाम जरूर याद रखिएगा, उन्हीं में से मिले हैं सब, ठीक है, ज़्यादातर सब, चाहे वो पैलियोलिथिक हो, नियोलिथिक हो, मीजोलिथिक हो। इसमें जो है आपके औजार और अधिक जो है फाइन, सूक्ष्म, चिकने और तेज मिले हैं। फिर बेलन घाटी के नवपाषाणिक स्थलों से झोपड़ियाँ बनाने के लिए, प्लस कृषि किए जाने के और मिट्टी के बर्तन बनाने तथा पशुपालन करने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो इससे ये मतलब है कि जो नियोलिथिक है वो अपनी इससे पहले के कौन कल्चर था, मीजोलिथिक और जो है पैलियोलिथिक, उनसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया था। यहाँ पे जो है जो इंसान है वो एग्रीकल्चर भी सीख गया था, पशुपालन भी सीख गया था, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख गया था, चित्रकारी करना भी सीख गया था, और घर बनाना भी सीख गया था, पॉलिश करना भी, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हो गई थी। अच्छा देखिए, इसमें एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो सकता है आपको कि कुछ लोग बोलेंगे कि जो है फायर को बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक में ये डिस्कवर हो गई थी, तो इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है ये, मतलब लोअर पैलियोलिथिक से लेके जो मीजोलिथिक वाला पीरियड था इसमें फायर डिस्कवर हुई थी, तो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद क्या आया, प्रोटो हिस्टोरिकल, मैंने आपको बताया कि जो आपका हिस्ट्री लिखे जाने से और जो ये प्री हिस्ट्री के बीच का पीरियड हो गया, इसमें क्या क्या है, ताम्र पाषाण है और ताम्र कांस्य, यानी कि कॉपर स्टोन है और कॉपर ब्रांज। यहाँ पे जो है जैसे इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जरूर गई, लेकिन आज तक उसको डिसाइफर नहीं किया गया है, उसको नहीं पढ़ा जा सका है, ठीक है, तो उसमें जो उसकी लिपि का अभी तक ज्ञान नहीं हो पाया है यहाँ पे। कुल मिला के बात ये है, पाषाण युग यानी कि स्टोन एज की समाप्ति के बाद धातुओं के प्रयोग का युग आरंभ हुआ, यानी कि जो जो आपके मेटल हैं उनका यूज़ होना चालू हुआ। सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया, यानी कि सबसे पहले किसका किया, कॉपर का, फिर कांसे का, और फिर जो है आपका लोहे का, ठीक है। देखिए इसमें फिर मैं क्या बता रहा था, सबसे पहले किसका यूज़ किया मानव ने, कॉपर का यानी कि तांबे का, फिर जो है कांस का यानी कि कांसे का यानी कि ब्रॉन्ज का, और फिर जो है आयरन का, ठीक है, यानी कि लोहे का। तो यानी आप इससे ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए जरूर याद रखिएगा, सबसे पहले कॉपर का यूज़ किया, फिर ब्रॉन्ज का, फिर आयरन का, वैसे भी CBI है ये, ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई, आपको समझ में आ जाएगी। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे, तो अगर आप ये देखेंगे कि पाषाण संस्कृति का भी यानी कि स्टोन एज के ठीक बाद और सैंधव संस्कृति के पहले, यानी कि जो आपका इंडस कल्चर से पहले, यानी कि स्टोन कल्चर के बाद और इंडस कल्चर के पहले की संस्कृति को क्या बोलेंगे, ताम्र पाषाण संस्कृति, क्या बोलेंगे, यानी कि कॉपर स्टोन एज, ठीक, तो कॉपर स्टोन एज बोलेंगे इसको, ये आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यही कि पहले की संस्कृति क्या बोलेंगे, कॉपर पाषाण एज, सॉरी कॉपर स्टोन एज। और इसमें अगर आप देखेंगे, आप और आगे जाएंगे तो सैंधव सभ्यता यानी कि इंडस वैली कल्चर वाले, इंडस के कई सारे नाम है, हड़प्पन कल्चर बोलता है कोई, सरस्वती जो है कल्चर बोलता है, कई सारे इसमें अगर आप देखेंगे पूरा विकिपीडिया में और कहीं गूगल करेंगे तो कई सारे नाम है, मतलब मेनली इंडस वैली कल्चर ही बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ के इंडस वैली वाले जो पुरस्थल हैं, ठीक है, जो मिले हैं उनके, अगर और नीचे देखेंगे तो वहाँ पे किसके साक्ष्य मिले हैं, ताम्र पाषाणिक सभ्यता के, मतलब जैसे अगर इंडस वैली कल्चर के ब्यूरल अगर आप जमीन के जो है 10 मीटर तक मिल रहे हैं, तो उससे और नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, कॉपर स्टोन एज के प्रूफ मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे अगर उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता यानी कि कॉपर स्टोन एज के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, मेरठ और सहारनपुर के पुरस्थलों से जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है, मेरठ और सहारनपुर में मिले हैं। फिर आप और अगर चलेंगे अगर, तो प्रोटो हिस्ट्री आ गया, प्रोटो हिस्ट्री वाला मतलब वही कॉपर स्टोन और कॉपर ब्रांच, हिस्ट्री के पहले वाला पीरियड हो गया, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया ये। इसमें क्या है कि आपका जो ताम्र पाषाणिक सभ्यता यानी कि कॉपर स्टोन एज के बाद, और जो है आपका कॉपर स्टोन एज के बाद कौन सी सभ्यता हुई, CSA के बाद क्या हुआ, CBA यानी कि कॉपर ब्रांज जो है आपका ये
कल्चर, ठीक है, कॉपर ब्रांच कल्चर हो गया ये, ठीक है, सभ्यता, सी एस ए, नहीं सी एस ए नहीं होगा, कॉपर स्टोन कल्चर से उसके बाद क्या आया, कॉपर ब्रॉन्ज कल्चर आ गया, ठीक है। सैंधव सभ्यता यानी कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, ये ताम्र कांस्य सभ्यता का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें मेजरली क्या है, कॉपर ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन ही है, मतलब वहाँ पे जितने भी जो टूल्स मिले हैं या जो आपके औजार मिले हैं वो कॉपर ब्रॉन्ज के बने, वो मेटल क्या यूज़ होता था, कॉपर ब्रॉन्ज, ठीक है। इंडस वैली की अगर आप देखेंगे डेट कब से कब तक मानी गई है, 2500 से 2500 BC से लेके अगर आप देखेंगे 2500 BC को इसको ओरिजिन माना गया। वैसे अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से जाएं तो इवन 5000 BC के आसपास जो है इंडस वैली कल्चर डेवलप होना चालू हुआ था, लेटेस्ट अभी करंट अफेयर की न्यूज़ है अगर आप देख रहे होंगे करंट अफेयर ये सब चीज़ें। और इंडस वैली के जो है आपके प्रूफ कहाँ कहाँ मिले हैं, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, इवन जो है अफगानिस्तान में, इवन सिंध और जो आपके पंजाब प्रांत है, ज़्यादातर मतलब पाकिस्तान का ही पार्ट था वो इंडस वैली वाला। भारत में भी मिला है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, ठीक है, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला है। उत्तर प्रदेश में सब्जा के साथ कहाँ कहाँ मिले हैं, आलमगीरपुर यानी कि मेरठ, बड़ा गाँव, हुलास यानी कि सहारनपुर, इन सभी जगह से उत्तर प्रदेश से ये इंडस वैली यानी कि सैंधव सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और नई खोजों के अनुसार अगर आप जाएं तो बुलंदशहर के भटपुरा और मानपुरा स्थल और मुजफ्फरनगर के मांडी गांव तथा कैराना क्षेत्र भी जो है इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। सैंधव सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई, सैंधव सभ्यता के बाद यानी कि इंडस कल्चर के बाद और वैदिक कल्चर से पहले, वैदिक कल्चर मतलब हो गया वैदिक सभ्यता से पहले कि जो ये पूर्व की सभ्यता को क्या बोलेंगे, उत्तर सैंधव सभ्यता यानी कि पोस्ट इंडस कल्चर, मतलब ये थोड़ा सा ये बस ये एक टर्म है। अगर आप शुरू से कह रहे हैं तो कैसे आया था, पहले आया था आपका पैलियोलिथिक, फिर आया था मीजोलिथिक, फिर आया था नियोलिथिक, ठीक है, पुरापाषाण काल जो है आपका, पुरापाषाण काल और क्या बोलेंगे इसको मैं खुद ही भूल जाऊँ। तो इसमें अगर आप देखें बताता हूँ, पैलियोलिथिक आया सबसे पहले, पैलियोलिथिक वाला हिस्ट्री है, फिर मीजोलिथिक है यानी पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल, उसके बाद क्या आया, कॉपर स्टोन एज, ठीक है, फिर कॉपर ब्रॉन्ज स्टोन एज आ गया, ठीक, फिर उसके बाद ये क्या है, पोस्ट ये जो है आपका ये इंडस कल्चर आ गया, उसके बाद पोस्ट इंडस कल्चर आया, उसके बाद आया वैदिक। वैदिक में भी दो टाइप थे, एक था ऋग वैदिक, एक था पोस्ट वैदिक, ठीक है। तो ये सब इसी हिसाब से चल रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और भारत के पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के साथ ही उत्तर प्रदेश से उत्तर सैंधव सभ्यता यानी कि पोस्ट इंडियन कल्चर के जो है आपके प्रूफ यानी कि साक्ष्य मिले हुए हैं, आलमगीरपुर, मेरठ यानी कि और प्लस उलास सहारनपुर से मिले हुए हैं। इनके अलावा और भी जगह से, कई जगह से मिले हुए हैं साक्ष्य पोस्ट इंडियन कल्चर के, जैसे कानपुर हो गया, उन्नाव हो गया, मिर्जापुर, मथुरा, इन सब जगह से कुछ ऐसी ताम्र वस्तुएं मिली हैं यानी कॉपर के कुछ चीज़ें मिली हुई हैं जिससे पोस्ट इंडियस इंडस कल्चर का जो है यहाँ पे ये साक्ष्य मिला है यहाँ पे, कि मतलब यहाँ पे पोस्ट इंडस कल्चर भी था। तो यूपी में मतलब सारे कल्चर रहे हैं, पैलियोलिथिक से लेके जो है आपका मीजोलिथिक से लेके नियोलिथिक से लेके कॉपर स्टोन एज से लेके कॉपर ब्रॉन्ज स्टोन एज से लेके ब्रॉन्ज स्टोन एज से लेके जो है आपका इंडस वैली कल्चर से लेके पोस्ट इंडस कल्चर से लेके वैदिक तक, और उसके आगे फिर और जो है मिडिल एज आई, जो मौर्य वाली एज आई, आपका मगध वाली एज आई, प्लस जो दिल्ली सल्तनत, सब कुछ है यहाँ पे। आलमगीरपुर के उत्तर सैंधव कालीन यानी कि पोस्ट जो है इंडस वैली जो लोग थे कपास की खेती करते थे और इस सभ्यता के लोग नगरों के बजाय गांव में रहते थे, ठीक है। फिर आया आपका आयरन एज यानी कि लौह काल या फिर ऐतिहासिक काल इसको बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से हिस्ट्री को लिखना चालू हुआ, जहाँ से मतलब पढ़ा भी जाने लगा है, ठीक है, वहाँ की लिपि ऐसी कि आज उसको डिसाइफर भी कर सकते हैं। तो सैंधव यानी कि इंडस और उत्तर सैंधव यानी कि पोस्ट इंडस के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ वो है वैदिक, वैदिक सभ्यता या फिर इसको आर्यन कल्चर भी बोलते हैं, आर्य सभ्यता भी बोलते हैं। भारत का इतिहास एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आर्य जाति का ही इतिहास है, ऐसा कई जगह बोला जाता है। हालांकि ओरिजिनल जो इंडिया के इनहेबिटेंट्स हैं उनको द्रविडियन बोलते हैं। तो मतलब ये हिस्ट्री में कई जगह अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, एक ओवरऑल पिक्चर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता का विकास जो है लगभग कब से माना जाता है, 1500 BC से लेके 750 BC तक, ठीक है। तो यानी कि इससे पहले वाले को क्या मानेंगे, इंडस वाला, 2500 से लेके 1500 तक। लेकिन मतलब 1500 से अब थोड़ी बहुत ये एज ऐसी पोस्ट इंडस की चल रही है, लेकिन
अब इंडस के कई बार जो है आज भी उस पर खोजें चल रही हैं, तो कोई कहता है 5,000 साल पुरानी, कोई कहता है 6,000 साल पुरानी। अभी एक और न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें तो 8-9-10 हज़ार साल पुरानी बोला बताया गया था, मतलब 8-9-10 हज़ार BC तक की है इंडस। तो ये सब चीज़ें हैं, हिस्ट्री में चलती रहेंगी। हालांकि उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें कि इस सभ्यता को दो भागों में बांटा सकता है, वैदिक वाली को, एक है ऋग्वैदिक या फिर उसको पूर्व या फिर ऋग्वैदिक काल बोलेंगे, एक है उत्तर वैदिक यानी कि लेट वैदिक पीरियड। ठीक है, ऋग्वैदिक में आर्य सभ्यता जो है पंजाब और सिंध क्षेत्र तक ही सीमित था, जहाँ पे पंचजनों का निवास था। पंचजन ये क्या थे? ऋग्वेद में पंचजन एक कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, ये प्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के लिए भी, क्या पता यही पूछ सकते हैं कि पंचजन क्या थे। ठीक है, कि डिफाइन पंचजन ऐसे करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऋग्वेदा का कॉन्सेप्ट है ये पंचजन्य, उसमें 5 ट्राइब्स को मिला के बोला जाता था पंचजन्य। ठीक है, आर्यन की 5 ट्राइब्स थी, कौन कौन सी? पुरु, यदु, अनु, तुर्वसु और द्रहयु। ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। पंचजनों में कौन था? अनु, द्रुहय, ये क्या बोलेंगे इसको, यदु, पुरु और तुर्वस, इनको सम्मिलित करके बोला जाता था पंचजन। ठीक है, प्रत्येक जन में अधिपति को राजा कहा जाता था। ठीक, इस काल के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत केवल क्या है? ऋग्वेदा की जो संहिता है। ठीक है, फिर ऋग्वेदा संस्कृति की अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगे तो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का ये आपका विकास हुआ। उत्तर वैदिक मतलब कि वही ऋग्वेदा के बाद ये पोस्ट वैदिक वाला हो गया। इस समय तक वैदिक संस्कृति का विस्तार यूपी में और प्लस पूरे नॉर्थ इंडिया में हो चुका था, नॉर्थ इंडिया से बंगाल तक हो चुका था। उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र क्या था? मध्य देश। मैंने बताया था आपको शुरू में, यूपी को मध्य देश भी कई दिनों तक बोला जाने लगा है, बोला जाता था, मतलब जो कि सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक विस्तृत था। ठीक है, इसमें और भी कई बड़े बड़े जैसे जो है उस टाइम पे राज्य थे, कुरु, पंचाल, विशाल राज्य थे ये, और इनके अलावा और भी कई सारे छोटे छोटे राज्य थे। ठीक है, सभी ने अपनी जो है स्थायी राजधानियां बना ली थी, उनकी सबकी एक जो है पूरा यहाँ पे मौलिक शासन प्रणालियाँ थी, मतलब पूरा एक रूल करने का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था पूरा। कुरु राज्य का जो है आधिपत्य मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर तक विस्तृत था। राजधानी तो थी इसकी आसंदीवत थी, परीक्षित और जन्मजय इसी राज्य के राजा थे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बताना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ, आप सुनिए बस इसको। पांचालों का जो विस्तार था कहाँ तक था? बरेली, बदायूं, फरुखाबाद आदि तक था, और इनकी राजधानी क्या थी? कांपिल्य थी। ठीक है, अभी मैंने पांचाल का क्या बताया, ये है पांच जो यहाँ पे, ये तो पंचजन्य है, सॉरी, पांचालों का ये जो विस्तार कहाँ तक था? ये बरेली, बदायूं, फरुखाबाद आदि तक था। कुरु पांचाल जो ये क्षेत्रों में ही भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, ये सब जो है महान ऋषि सेज थे जो। ठीक है, इसमें पॉटरी भी कई जगह मिली है, 4 प्रकार की पॉटरी मिलती थी। एक तो काला लाल यानी कि ब्लैक ब्लैक रेड हो गया, और प्लस हो गया काली लेपयुक्त तो यानी कि ब्लैक कोटेड, और जो है पेंटेड ग्रे, और लाल मृद भांड यानी कि रेड पॉटरी मिलती थी। यूपी में सबसे ज़्यादा कौन सी मिली है? यूपी मिली है लाल मृद भांड। ठीक है, इसको दूसरे पे देख लेते हैं, लाल मृद भांड मिली है ये। ठीक है, यानी कि आपका यूपी में सबसे ज़्यादा मिली है कौन सी आपकी? ये रेड पॉटरी। ठीक है, रेड पॉटरी यूपी में सबसे ज़्यादा मिली है। इस काल का इतिहास जो है हमें ऋग्वेदा के आधार पर ही विकसित जो संहिताएं हैं उस टाइम पे, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद, ठीक है, उन्हीं से, और प्लस जो ब्राह्मणा थे, जितने आरण्यक थे, उपनिषद थे, उनसे होता है। और जिनके हिसाब से इसकी एज क्या लगाई गई है? 1,000 BC से लेके 6,000 BC तक। फिर उसके बाद आया आपका एपिक पीरियड, यानी कि जो है महाकाव्य काल उसको बोलेंगे, यानी कि रामायण और महाभारत लिखी गई। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, तो ये उसके उत्तर वैदिक के अंतिम जब ये स्टेज थी तब ये आपका ये महाकाव्य काल आया। इसमें रामायण और महाभारत का प्रणयन हुआ, यानी कि ये जो है इमर्ज हुआ। ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें इस काल तक आते आते आर्य सभ्यता का जो प्रचार है मतलब काफ़ी ज़्यादा ईस्ट तक हो चुका था, पूर्व की ओर जो है अंग तक हो गया था। और इस टाइम के बड़े बड़े राज्य कौन थे? कुरु हो गया, पांचाल था, प्लस कौशाम्बी, कोशल, काशी, विदेह, मगध और अंग आदि थे। ठीक है, रामायण किसके टाइम पे लिखी गई? अयोध्या राज्य के जो है इक्छावु, इक्छवाकु जो डायनेस्टी थी उससे संबंधित है ये। और महाभारत किससे संबंधित है? हस्तिनापुर के कुरु वंश से। ठीक है, तो दोनों ही जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि रामायण में अगर आप अयोध्या की बात करें तो ये भी यूपी में है, और महाभारत में अगर आप हस्तिनापुर की बात करें तो
ये भी मेरठ में माना जाता है ये, ठीक है। रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने। ब्रह्मवर्त यानी कि बिठूर कानपुर में की थी। और महाभारत के रचनाकार व्यास थे, ठीक है। ये सब मैंने शुरू में ही बता दिया था। इसमें उस टाइम के जो समाज के क्या क्या सोशल, क्या क्या जो है आपका इकोनॉमिक, क्या क्या जो है आपकी रिलीजियस यानी कि धार्मिक और राजनीतिक स्थितियाँ क्या थी, उन सब की जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद आया महाजनपद काल, ये जो 16 महाजनपद थे, उसमें अगर आप देखेंगे बौद्ध का एक ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, ठीक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बौद्ध का ये ग्रंथ था, ये मतलब बौद्ध की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट किताब थी। इसमें ये सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है ये, ठीक है। अंगुत्तर निकाय में गौद्ध, ये जो गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के बहुत सारे उपदेश यहाँ पे जो है संग्रहित हैं। तो उसमें ये पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 6 BC के आसपास जो है उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में था। तो 16 इसीलिए महाजनपद बोले गए। और ये अगर आप देखेंगे इसमें तो उत्तर वैदिक जो कालीन राज्य की अपेक्षा यानी कि उत्तर वैदिक हो गया पोस्ट वैदिक के बाद, और ज़्यादा यहाँ पे विस्तृत हो गया था, और ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था, एरिया बढ़ गया था। मतलब जो अब ये डायनेस्टी थी इन, ये और ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे और एरिया बढ़ा लिया था इन्होंने। और इन्होंने लेकिन इनमें से फिर भी ये अपने अपने राज्य तक सीमित रहते थे। नेशन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, देश वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मतलब सबको एक साथ जो है आप बन फिरो के रखें। जैसे आज कई सारे स्टेट हैं लेकिन कंट्री तो एक ही है ना, तो वो ये नहीं था। वहाँ पे अलग अलग जो है सब कर रहे थे। 16 में से कई जो है आपके उत्तर वैदिक काल से ही अस्तित्व में आ गए थे, यानी कि पोस्ट वैदिक से ही। ये देखिए 16 की लिस्ट है, प्री वाले लोग रट डालो सीधा, इसको रटना बहुत ज़रूरी है। पहला था अंगा, इसकी कैपिटल थी चंपा, इस समय कहाँ कहाँ पे है? भागलपुर और मुंगेर में है। फिर मगधा, इसकी कैपिटल थी जो है राजगृह और गिरिवज्जा, और इसकी जो है इस समय प्रेजेंट लोकेशन है गया और पटना में। काशी का कैपिटल काशी थी, वाराणसी में है इस समय यूपी में। वत्स की कौशाम्बी इलाहाबाद में है। कोसला की श्रावस्ती अवध में है। और ये ईस्टर्न यूपी मतलब सौर सेना, ये मथुरा में है। पांचाल यानी कि इसकी कैपिटल क्या थी? अहिच छत्र कौपिल्य, ये वेस्टर्न यूपी में। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी मेरठ। मत्स की जो है कैपिटल विराट थी और ये जयपुर में है इस समय। अवंती की उज्जैन थी, मध्य प्रदेश में है। चेदी की जो है बांदा थी, ये बुंदेलखंड में। गंधार की तक्षशिला थी, पेशावर में है। कंबोज की पूंचा थी, ये राजौरी और हजरा में है। अश्मका की ये प्रतिष्ठान थी, ये आपकी गोदावरी में है। मल्ला में, मल्ला की क्या थी राजधानी? कुशीनारा देवरिया में है। और वज्जी की वैशाली, ये थी वैशाली में, ठीक है। ये उत्तर भारत में जो 16 महाजनपद थे उनमें से 8 इस समय यूपी वाले, इस समय जो यूपी, इसमें से 8 थे इसमें से, ठीक है। कौन कौन सी? पांचाल था ये, अभी मैंने बताया इसकी राजधानी कहाँ थी, बरेली में। और जो है फरुखाबाद में, कहाँ कहाँ तक है? बरेली, बदायूं और फरुखाबाद। कुरु जो राजतंत्र था इसकी इंद्रप्रस्थ दिल्ली में थी, और इस समय मेरठ दिल्ली और थानेश्वर के आसपास है। वत्स राजतंत्र की कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास है, यानी कि सूरसेन की मथुरा, मथुरा के आसपास है। कौशल की जो है अयोध्या श्रावस्ती अवध के आसपास है। मल्ल की जो है कुशीनगर, कुशीनगर देवरिया के आसपास। काशी की वाराणसी थी, वाराणसी के आसपास। और चेदी ये जो थी बांदा, राजधानी थी इसकी बांदा के आसपास, ठीक है। तो ये 8 जो है महाजनपद थे उस टाइम पे यूपी में। और इसके अलावा 2 और गणराज्य थे, एक था कपिलवस्तु के शाम में और एक था सम सुमेर गिरी जुनार के भाग थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे अगर आपकी जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है यूपी में आना चालू हो गया। अब इसके देखिए कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे बुद्धिज्म में बोलते हैं त्रिपिटका, ठीक है। त्रिपिटका का जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कौन कौन से इसमें पिटाका हैं और किस किस चीज़ से संबंधित हैं, ये जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ये एक्चुअली कल्चर का पार्ट है इसलिए मैंने इसका नहीं लिया। 3 जेवल मैंने आपको बता ही दिए हैं, BDS, बुद्धा, धम्मा और संगा, ठीक है। 4 नोबेल ट्रुथ थे। क्या ट्रुथ थे? कि संसार में दुख बहुत है, ठीक है। उस दुख का जो है वो क्या है कि आपको जो है इच्छाएं बहुत हैं, अगर जो है आपको सफरिंग को और इसकी वजह से डिज़ायर जो बहुत हैं, और उसका जो है यहाँ से फिर से लिख करते हैं। देखिए लाइफ जो है संसार में जो है दुख बहुत है, ठीक है। दुखा इसलिए बोलते हैं इसको, ट्रुथ ऑफ सफरिंग, ठीक है। कि मतलब एक इंसान को ना चाहते हुए भी फिर पहले जन्म लेके बीमारी जो है आपका बुढ़ापा और फिर डेथ, तो ये सब चीज़ें, फिर सेपरेशन जो है अपने लव्ड वन से, इन सब में फंसा रहता है। तो दुख बहुत है संसार में,
दुख की जो है कॉज क्या है, डिजायर मतलब इच्छाएं बहुत हैं, इसको क्या बोलते हैं तन्हा या फिर जो है समुदाय, ठीक है। और उसमें जो है उन जो आपकी इच्छाएं अगर आप देखेंगे तो वो कैसे क्योर हो सकती हैं, आप मतलब कैसे ये सफरिंग जो है आपका दुख कैसे दूर होगा, वो इच्छाएं करना छोड़ दो, सिंपल बात ये है। और कैसे इच्छाएं अगर आपकी छूटेंगी, आप ये एट फोर्ड जो एट फोल्ड पाथ है उसको कर लो, ठीक है। तो मतलब दुख कुल मिला के क्या है, चार नोबल ट्रूथ क्या है, संसार में दुख बहुत है, ठीक है, और दुख का रीज़न क्या है कि आपकी इच्छाएं बहुत हैं, ठीक है। अगर आपको अपने दुख को हटाना है तो इच्छाएं त्याग दो, और इच्छाएं कैसे अगर आप त्यागोगे उसके लिए आठ फोल्ड जो ये पाथ है ये अपना लो, ठीक है। तो ये है कुल मिला के, तो ये जो है फोर नोबल ट्रूथ आपको जरूर याद रखनी चाहिए बुद्धिज्म के, दुखा समुदाय निरोध और मग्गा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं लाइफ इज़ सफरिंग, और यानी कि दुख बहुत है और कॉज उसका क्या है, डिज़ायर है, और उसका क्योर क्या है सफरिंग का कि आप डिज़ायर को हटा दो, और कैसे हटाओगे, एट फोल्ड जो पाथ है बुद्धिज़्म का वो फॉलो कर लो। अब इसमें क्या है, इसमें आपका ये आठ तरीके के शब्द हैं, ये एक्चुअली एथिक्स वाले आंसर में लिखा जा सकता है अगर आप GS4 की बात करें, या फिर कहीं भी इसके कीवर्ड को यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, कोई ऐसे वैसे लिखने में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको एक छोटी सी ट्रिक बताइए, वीज़ा MLC, ठीक है, वीज़ा लेके मोरलिटी के लेक्चर सुनने जाओ, ठीक है। इसको इससे कैसे रिलेट किया कि एट फोल्ड पाथ है, एट फोल्ड पाथ है बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, मतलब कुछ मोरलिटी के बारे में बता रहे होंगे, तो आप वीज़ा लेके और जो है मोरलिटी के लेक्चर सुन लो जाके, तो आपका दुख दूर हो जाएगा, ठीक है। वीज़ा से क्या हो जाएगा, वी से हो जाएगा राइट व्यू, ठीक है, आई से हो जाएगा राइट इंटेंशन, आई मतलब इंटेंशन, वी वी फॉर व्यू, एस से हो जाएगा राइट स्पीच, ए से हो जाएगा राइट एक्शन, तो वीज़ा लेके फिर क्या है मोरलिटी के लेक्चर, तो यानी कि एम से हो जाएगा राइट माइंडफुलनेस, एल से हो जाएगा राइट लाइवलीहुड, ई से हो जाएगा राइट एफर्ट, और सी से हो जाएगा राइट कंसंट्रेशन। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसको यूज़ कर लीजिएगा, वीज़ा लेके मोरलिटी के लेक्चर सुनने जाना है, संसार में दुख बहुत है, ठीक है, दुख का रीज़न है आपका डिज़ायर, दुख को ख़त्म करने के लिए डिज़ायर ख़त्म कर दो, और डिज़ायर ख़त्म करने के लिए जो है आप यहाँ पे एट फोल्ड पाथ अपना लो। उसको कैसे अपनाओगे, आप जो है वीज़ा लेके मोरलिटी का लेक्चर सुन लो जाके, सिंपल बात। जैनिज्म की बात करें अगर, तो जैनिज्म में जो है तीन टाइप के यहाँ पे हैं ये, कि सम्यक दर्शन यानी कि राइट फेथ और परसेप्शन है ये, और सम्यक जो है ज्ञान राइट नॉलेज, सम्यक चरित्र यानी कि राइट कंडक्ट, तो एफ सी के। अब आप इसको ट्रिक अपने आप खुद बना सकते हैं, इसमें मुझे नहीं बोलना चाहिए। मेन इसमें क्या प्रिमिसेस हैं जैनिज्म के, जैसे इसमें पांच टाइप के हैं ये प्रिंसिपल जैनिज्म के, कि जो भी जैनिज्म होते हैं कि जो जैन लोग होते हैं वो पांच टाइप के जो है व्रत लेते हैं, उसको क्या उसकी ट्रिक क्या है, साब, ठीक है। तो साब क्या है, एस से हो जाएगा सत्य यानी कि ट्रुथ, ए से हो जाएगा अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, ए से हो जाएगा अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, और ए से हो जाएगा आपका अपरिग्रह यानी कि नॉन अटैचमेंट, और बी से हो जाएगा ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी। तो साब जो है ये क्या है, पांच प्रिंसिपल हैं जैनिज्म के, ठीक है। और ये क्या है, तीन जो है जेवल्स हैं जो जैनिज्म के, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड थे, याद रख लीजिएगा। जैनिज्म और अन्य धर्म की बात कर रहे थे हम लोग, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दो नए धर्मों का ये उदय हुआ, आपका जैनिज्म और बुद्धिज़्म, 500 समथिंग BC, 60 और 70 के BC के आसपास ही जो है दोनों हुए हैं। हालांकि जैनिज़्म का ओरिजिन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैनिज़्म का अगर आप देखेंगे महावीरा का जन्म हुआ था, जो कि 24 तीर्थांकर थे, तो जैनिज़्म काफ़ी एंशियंट रिलीजन है बुद्धिज़्म से भी ज़्यादा, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ, ये आपका यद्यपि अगर आप देखेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके अनुयायियों की संख्या को बहुत थी, मतलब फॉलोअर, ये मैंने शुरू में बता दिया था। महावीर स्वामी से पहले यहाँ पे पार्श्वनाथ, शंभरनाथ, चंद बाबा, ये सब भी उत्तर प्रदेश में ही हुए थे। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, ये है जब मथुरा और उज्जैन, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के कौन कौन से हैं, ये मथुरा और उज्जैन। कुषाण काल में भी जो है मथुरा जैन धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, मथुरा से जैन धर्म से संबंधित कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, अगर मथुरा जो जाता होगा उसको पता होंगे। बौद्ध धर्म के जो है प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म भले ही नेपाल में हुआ हो, लेकिन इनके पिता सुद्धोधन जो थे वो कपिलवस्तु के एक राजा थे और गणतांत्रिक शासकों के प्रधान थे,
और जो कपिलवस्तु है वो कहाँ पे है इस समय, सिद्धार्थ नगर में है ये। तो मतलब इनके जो पापा और माता पिता, सॉरी पापा और माता, ये दोनों जो हैं आपके यूपी से संबंधित थे। इनकी माता जो थी वो गोरखपुर के कोलिए गणराज्य की कन्या थी। उसके बाद इनका देखेंगे तो 29 एज में इन्होंने ग्रह त्याग दिया था। इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये मैंने एक अलग वीडियो में बताया हुआ, उसको उसमें देख लीजिएगा। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया। अभी मैंने बताया था सारनाथ में से ही फिर धम्मा और संघा की उत्पत्ति हुई। और जो तीसरा जबल क्या है बुद्धिज्म में, बी यानी कि बुद्धा। उसके बाद बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए, जो कि यूपी में है। फिर बुद्ध का महानिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ ये, ठीक है। बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति और महानिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा में हुआ ये, ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन यूपी में ही बीता है, इसलिए यूपी को क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म का पालना यानी कि क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, क्रेडल ऑफ जो है इंडियन सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म बोलते हैं यूपी को। फिर यूपी में उत्तर प्रदेश के में अगर आप देखेंगे सात मुख्य गणराज्य थे, कपिल वस्तु के शाक्य, सुमेर पर्वत हो गए, प्लस ये केलपुत हो गए, रामग्राम हो गए, ये सारे जितने भी थे नगरों का इसमें फिर तेजी से विकास हुआ। और उत्तर प्रदेश में उस समय काशी, कौशाम्बी, मथुरा, साकेत, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, ये सब जो है मेन नगर थे। जैन और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण धर्म के कई सारे देवी देवताओं जैसे कि विष्णु, वासुदेव और इन सब जो है दुर्गा, लक्ष्मी की भी प्राचीन मूर्तियां मथुरा से प्राप्त हुई। तो मथुरा को जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्पचर का सेंटर माना जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे अभी भी लेटेस्ट मथुरा की खुदाई में कुषाणकालीन मंदिर मिला है जो कि ब्राह्मण धर्म का द्योतक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे मथुरा को भारतीय मूर्तिकला यानी कि स्कल्पचर का जन्म स्थान कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित कई सारे जो है मंदिर वाराणसी में, इलाहाबाद में, बलिया, गोरखपुर, झांसी, सॉरी गाजीपुर, झांसी और कानपुर में भी थे। उसके बाद फिर जो है मगध का राइज होना चालू हुआ, मगध मतलब मगध जो है आना चालू हुआ। ये आप अगर आप देखेंगे इसमें इसमें मगध, अगर आप मगध मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर था। मगध में कई दिनों तक यूपी भी में भी रहा ये, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है बिहार की तरफ भी बढ़ता, वो इसका दायरा बढ़ता गया, एरिया बढ़ता गया, ठीक है। तो बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि में स्थित है ये मगध। ये प्राचीन भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य था, बुद्ध काल में बहुत शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में संगठित हुआ था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मगध का इतिहास संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया, ठीक है। मगध इतिहास के उत्कर्ष से फिर मौर्य राजवंश की स्थापना के बीच, तो मगध से जो है आपका स्टार्टिंग हुआ। फिर मौर्य राजवंश जो कि बहुत ज़्यादा पीक पे था उस टाइम पे, उसके बीच हर्यंक वंश है, शिशुनाग है, नंद वंश है। मगध वंश का मेन जो फाउंडर किसको बोला जाता है, बिंबिसार, जो कि हर्यंक हर्यक वंश का था, ठीक है। फिर बिंबिसार के बाद उसका पुत्र जो था अजातशत्रु, उसने बिहार के साथ साथ लगभग आधे उत्तर प्रदेश पर पूरा अपना जो है आधिपत्य कर लिया था। मगध राज्य का साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था, जिसने जिसके समय में पहली बार ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका विस्तार जो है आपका उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक तक पहुंच चुका था, उड़ीसा तक, ठीक। फिर उसके बाद इस काल के समर्पण पर जो संपूर्ण साम्राज्य में अगर आप देखेंगे तो मतलब हर तरफ डेवलपमेंट हुआ। फिर महापद्मानंद के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ठीक है, लेकिन वो व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाया था। फिर आया मौर्य समाज, मगध में मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि फाउंडेशन जो फाउंडर कौन थे मौर्य समाज के, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईसा पूर्व से नंद वंश को पराजित करके की गई थी, चाणक्य ने मदद करी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है, ये आपको पता होगी हिस्ट्री ये सब। फिर इसके विजय में फिर ये मगध जो है सामान्य पश्चिम में ईरान, सौराष्ट्र लेके पूर्व में बंगाल तक जो है फैल गया था, और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कर्नाटक तक ये हो गया था। बहुत बड़ा जो है हो गया था मतलब शासन ये। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार, उसके बाद फिर जो बिंदुसार का पुत्र अशोक मौर्य, अशोका ने फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा उसको एक्सपेंड किया। अशोक बहुत एक बड़ा शासक था और उसके राज्याभिषेक में 8वें वर्ष में कलिंगा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। फिर जो है इसमें स्टार्टिंग जो इनका समय था उसमें अशोक ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, लेकिन फिर बाद में उसने बुद्धिज़्म की तरफ मतलब पूरी तरह से डेडिकेट हो गया था, बुद्धिज़्म उसने जो है अडॉप्ट कर लिया था। लुम्बिनी की यात्रा किया और वहाँ कुछ निर्माण कार्य भी कराया। अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने एक धम्मा करके पॉलिसी स्टार्ट करी थी,
ठीक है। तो विश्व में अशोक ऐसा पहला शासक था जिसकी दृष्टि में संपूर्ण जीवधारी समान थे। अब ये मगधा का इस ये देख सकते हैं कैसे कैसे जो है यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। पहले हर्रंका हो गया, ठीक है, फिर ये शिशुनाग, फिर नंदा, फिर मौर्या, फिर शुंग, फिर कनवा, फिर सत्वहाना, फिर गुप्ता। इस हिसाब से जो है मगधा एम्पायर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हुआ है ये। देखिए अगर आप ये लिस्ट देखेंगे लार्जेस्ट एम्पायर की, तो सबसे बड़ा जो एम्पायर था पूरे इंडिया में, जो ये मतलब अगर देखें आप इसमें एरिया के हिसाब से, तो ये है मौर्य का एम्पायर। ठीक है, मौर्य का एम्पायर अभी तक का इंडिया में सबसे बड़ा माना जाता है। मतलब जो जैसे आप ये समझते हैं ना कि औरंगजेब का बोलते हैं कि लार्जेस्ट था, लेकिन जो एक्सटेंट था सबसे ज़्यादा किस में था, मौर्य समाज में। देख सकते हैं आप ये करीबन 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया है ये, मतलब 50 लाख एरिया का है ये, 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया। और जो इस समय का साइज है उसका 150 गुना था। ब्रिटिश एम्पायर उसके बाद नंबर 2 पे है, 139% था, और फिर उसके बाद मुगल एम्पायर और फिर गुप्ता एम्पायर है। तो मौर्य का समाज जो है सबसे बड़ा था। ठीक है, उसके बाद फिर जो है दिल्ली सल्तनत हो गया, फिर मराठा, और फिर कुषाण, और फिर ये एम्पायर ऑफ हर्षा। ठीक है, अशोक के इतिहास से अगर आप देखेंगे इसका कहाँ कहाँ क्या सोर्सेस क्या क्या हैं, इनके पूरे जो है इंस्क्रिप्शन है, कई सारे इंस्क्रिप्शन है, माइनर भी हैं मेजर भी इंस्क्रिप्शन है। तो ये आपको जो है कई बार हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आपने, जैसे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की, हमारा पापा वीडियो देखेगा उसमें सब बताया गया डिटेल में। उसके बाद अभी तक 40 से ज़्यादा जो है अधिक ये अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, यानी कि इंस्क्रिप्शन प्राप्त हो चुके हैं। इन 40 में से उत्तर प्रदेश में मिलने वाले कौन कौन से हैं, अहरौरा मिर्जापुर का है ये माइनर जो है आपका इंस्क्रिप्शन, फिर टोपरा का है स्तंभ लेख यानी कि पिलर एडिक्ट, मेरठ का है स्तंभ लेख, कौशाम्बी का स्तंभ लेख है, और सारनाथ का लघु स्तंभ लेख यानी कि मिनर माइनर जो है ये माइनर पिलर एडिक्ट है ये। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में, और कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर द्वारा प्रयाग किले में स्थापित कराया गया था। स्तंभ लेख का इंग्लिश का क्या मतलब है, पिलर एडिक्ट। फिर जो है अगर आप देखेंगे अशोक का जो सारनाथ है स्तंभ लेख, उसके शीर्ष पर जो सिंह की आकृति बनी हुई शेप बना हुआ है, उसी को तो भारत सरकार ने अपना नेशनल एम्ब्लम बनाया है, राजकीय चिन्ह बनाया है। अशोक कालीन जो पाषाण कलाकृतियाँ थी यानी कि स्टोन आर्टवर्क था, और जो लेख थे यानी कि एडिक्ट था, उनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से किया गया है। ठीक है, बलुआ पत्थर को क्या बोलेंगे, ये क्ले जो है यहाँ पे अगर आप देखें इसको, बलुआ पत्थर को बोलेंगे सैंड स्टोन, तो सैंड स्टोन से बनाए चुनार के। अशोक काल में हजारों स्तूपों का निर्माण कराया गया था, और हेंग सांग ने उत्तर प्रदेश के मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी, श्रावस्ती, काशी और आदि जितने भी स्थान पर जितने स्तूप मिले हुए हैं उनका उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, और आगे अगर आप इसमें चलें, फिर शुंग वंश आया। शुंग वंश में क्या है, पुष्यमित्र शुंग था एक ब्राह्मण, उसने 185 BC से में अंतिम जो मौर्य सम्राट था बृहद्रथ उसकी हत्या कर दी थी, और मौर्य साम्राज्य को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, फिर शुंग वंश चालू हुआ, इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया, पाटलिपुत्र की जगह विदिशा को बनाया। ठीक है, फिर अयोध्या के शिलालेख से ये पता चलता है कि ये काफ़ी जो है धर्मानुयायी था, फिर रिलीजियस था ये, और पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे इन्होंने। ये जो थे ये इन्होंने स्तूप का भी निर्माण करवाया। शुंगकालीन साम्राज्य में अगर आप देखें उसकी सीमा लगभग जो है मौर्य समाज के आसपास थी, लेकिन अभी हमने देखा जो एक्सटेंड सबसे ज़्यादा मौर्य का था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला तथा ब्राह्मण जो धर्म का ये पुनरुत्थान हुआ, मतलब फिर से रिवाइव हुआ ये। फिर अगर और आप आगे की जाएंगे तो शुंग जो राजवंश थी उसके बाद फिर आया कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश की सत्ता स्थापित हुई, इस वंश का पहला राजा वासुदेव था, और उत्तर भारत पर इस वंश का शासन कब से चला, 75 BC से लेके 30 BC तक चला। उसके बाद फिर इंडो ग्रीक्स आए, इंडो ग्रीक्स का ने जो है आक्रमण किया, और इनको बोला जाता है हिंदी में हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक्स। ये दूसरी शताब्दी यानी कि 2 BC के आसपास आए थे। इन्होंने इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे पहले हमला करने की कोशिश की और काफ़ी कब्जा भी कर लिया, लेकिन गंगा घाटी क्षेत्र में ये जो है पराजित हो गए थे और उसका कब्जा नहीं कर पाए थे इंडो ग्रीक्स ने। फिर अगर आप देखेंगे शुंग और कर्ण वंश की समाप्ति जब ये हो गई तभी जो है इंडो ग्रीक आगे बढ़ सके, तब तक इनको वेट करना पड़ा था। फिर पतंजलि के महाभाष्य से ये भी पता चलता है कि जो ये इंडो ग्रीक थे इन्होंने साकेत को घेर लिया और गंगा की घाटी में बहुत आगे तक बढ़ गया। मतलब अगर आप मैप से इसमें देखें तो पहले ये वेस्टर्न घाट में थे, ये
सॉरी वेस्टर्न वाले जो इंडिया का रीजन था यहाँ तक थे, फिर धीरे धीरे जो है इन्होंने ईस्ट की तरफ कूच करना चालू किया। फिर ये जो आपके इंडो ग्रीक शासन थे इसमें मिनांडर का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका साम्राज्य झेलम से लेकर मथुरा तक आ गया था यूपी में, ठीक है। और इसकी जो है सियालकोट राजधानी थी। फिर जो है इंडो ग्रीक की स्थापना में जहाँ पे ये अगर आप देखेंगे यूनानी जो है भारतीय धर्म से बहुत प्रभावित हुई, मतलब ये इंटरमिंगलिंग तो होती है कल्चर की, और फिर इंटरमिंगलिंग हुई यहाँ पे इंडिया की जो कल्चर है ग्रीक की कल्चर है, और इससे एक जो है गांधार आर्ट निकली। गांधार जो कला शैली है इन्हीं की देन है। तो गांधार किससे इंस्पायर्ड है? इंडिया प्लस ग्रीक, इंडो ग्रीक कल्चर से। उसके बाद फिर और जो है अगर आप देखेंगे तो मतलब कुछ कुछ इसका ये विशेषताएं मथुरा से मिलती हैं, लेकिन मथुरा कला भी है धीरे धीरे जो है यहाँ पे हुई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, गांधार और जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है इसमें क्या क्या डिफरेंस है एक बार जरा इसे देख लेते हैं जल्दी से। गांधार का जो है अगर आप बिगिन कहाँ से हुआ था, इसका जो है किसके डायनेस्टी में हुआ था, कुषाण डायनेस्टी में हुआ ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है, और मथुरा वाला भी कुषाण डायनेस्टी में ही हुआ। एरिया क्या क्या था गांधार और मथुरा का? एरिया था इसका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम की जो तरफ था, और जो मथुरा वाला था ये मथुरा में था पूरा का पूरा। आउटसाइड इन्फ्लुएंस की अगर आप बात करें कि इन्फ्लुएंस इसमें जो गांधार में किसका था? ग्रीक का था, इसीलिए बोलते हैं इंडिया प्लस ग्रीक, इंडो ग्रीक थी ये गांधार कला, ठीक है, यानी कि गांधार आर्ट। लेकिन जो मथुरा आर्ट थी ये प्योरली इंडिजिनस थी, यानी कि इंडिया में ही डेवलप हुई थी ये, इसमें कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं था, ठीक है। रिलीजियस अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो गांधार आर्ट जो है बुद्धिज्म से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेरित है, प्लस जो है हेलिनिस्टिक जो रियलिज्म से उससे प्रेरित है ये, और जो मथुरा आर्ट है ये हिंदुज़म से है प्लस बुद्धिज्म से है, जैनिज्म से है प्लस सेकुलरिज्म से है, ठीक। और अगर आप बात करें कि क्या क्या डिफरेंस है, मटेरियल यूज़ गांधार में क्या हुआ, इसमें जो है ब्लूइश ग्रे सैंड स्टोन हुआ यानी बलुआ पत्थर, और प्लस ग्रे सैंड स्टोन हुआ, लेकिन मथुरा आर्ट में क्या हुआ आपका? रेड सैंड स्टोन हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मथुरा में रेड सैंड स्टोन है, यहाँ पे ब्लू और जो है ग्रे सैंड स्टोन है। फीचर की अगर आप और बात करें तो यहाँ पे क्या क्या जो है मूर्तियाँ किस तरह की बनाई गई, जैसे अगर आप गांधार आर्ट की बात करेंगे तो स्पिरिचुअल बुद्धा, ठीक है, सैड बुद्धा, बियर्ड बुद्धा, फिर जो है आपका कम यहाँ पे ऑर्नामेंटेशन था, मतलब कम ज्वेलरी था, ये सब चीज़ें सजावट कम थी। बुद्धा को योगी योगी पोस्चर में दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे अगर आप मथुरा की बात करेंगे तो डिलाइटेड बुद्धा, ठीक है, लेस स्पिरिचुअल टाइप का, प्लस जो है बहुत इनर्जेटिक, प्लस यहाँ पे ये एक पद्मासना में बैठे हुए, प्लस मस्कुलरिटी दिखाई गई है यहाँ पे। बुद्धा को जो है दो मॉन्ग से सराउंडेड दिखाया गया है, और जो है पद्म पानी जो है मतलब लोटस को होल्ड किए हुए, और वज्र पानी, ये सब जो है वज्र को मतलब होल्ड किए हुए, ये सब मथुरा आर्ट की जो यहाँ पे विशेषताएं हैं। प्लस मथुरा में और भी हैं जैसे सर्वतो भद्रिका जो इमेज है चार जैन की, वो भी इसी में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको थोड़ा याद रखना चाहिए, गांधार और मथुरा आर्ट में डिफरेंसेस आ सकते हैं। फिर उसके बाद आया शक वंश, ठीक है, शक कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे, और ये एक बर्बर जाति थी, ट्राइब थी, ये ईरान से होके भारत में आए थे, ये भारत में ग्रीक की सत्ता को इन्होंने समाप्त किया और जो है बड़े भूभाग पर अधिकार किया। ये सब हम लोग यूपी में यूपी की हिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूपी नॉर्थ में है, और ये किसी ना किसी तरह से यूपी में भी इन सब जो है राज्य जितने भी ये वंश हुए इनका यूपी में एरिया था, इनका इन्फ्लुएंस था, या फिर कुछ एरिया था, ठीक है। इसके बाद तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैनी आदि स्थानों पर इनकी कई सारी जो है ब्रांचेज इन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश की शक ने, और मथुरा शाखा का प्रथम जो है ये क्या था ये जिसका उल्लेख कि मथुरा में भी हुआ है, ब्राह्मी में उत्कीर्ण लेख में हुआ है ये, ठीक है। मथुरा के शकों का शासन पूर्वी पंजाब से लेके मथुरा तक था ये पूरा, ठीक है। फिर कुषाण वंश आया, कुषाण वंश ये यूची जो ट्राइब थी चाइना की वहाँ से ये आए थे ये, और ये पश्चिमोत्तर भारत के पल्लव हो गए, पार्थियान हो गए, और ये जो है शक, इन सब को परास्त करके मतलब हरा के इन्होंने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। इसका पहला शासक था कुजुल कडफिसेस, उसके बाद फिर विम कडफिसेस था, और उसके जो सिक्के हैं वो मथुरा तक मिलते हुए हैं, ठीक है। ये लोग शैविज्म को फॉलो करते थे, शैव धर्मानुयायी थे। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ग्रेट यहाँ पे कुषाण शासक था वो कौन था? कनिष्क। इसने 78
78 ईस्वी से सक संवत की शुरुआत की है, शाका एरा जिसको बोलते हैं, जो कि अभी तक भारत सरकार जो है प्रयोग में लाती है। तो शाका एरा कब से हुआ है? शाका एरा 78 एडी है ये, ठीक है, 78 मतलब 78 ईस्वी से है ये, तो इस 78 एडी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के फिर बहुत ज़्यादा ये अगर आप देखें सिक्के जो मिले हैं जहाँ जहाँ भी, उससे ये सिद्ध होता है कि ये क्षेत्र किसी टाइम पे कुषाण डायनेस्टी का भी अंग रहा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ये सारे जितने भी अभी मैंने मेंशन करी हैं, चाहे वो शुंगा डायनेस्टी हो, ठीक है, चाहे वो इंडो ग्रीक वाला जो है कुछ एरिया हो, यहाँ पे मौर्य का कुछ एरिया हो, ठीक है, इन ये और प्लस ये कुषाण जो है, ये सब जो है उत्तर प्रदेश में मतलब एंशियंट वाली हिस्ट्री में आते हैं ये, ठीक है। फिर मथुरा से लेकर कुषाण काल के जो सिक्के मिले हैं, अभिलेख मिली हैं, संरचनाएं, मूर्तियां मिली हैं, उससे प्रकट होता है कि मथुरा जो है भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। पहली कौन सी थी? पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी, तो दूसरी कौन सी थी? मथुरा थी, ठीक है। और इस टाइम तक जो है मथुरा व्यापार और संस्कृति का एक मेन सेंटर हो गया था, और दो स्वतंत्र शैलियाँ भी हो गई थी, गांधार और मथुरा, मैंने अभी बताया, दोनों में डिफरेंस भी बताया अभी आपको। तो ये सब चीज़ें हैं आगे। फिर आगे गुप्ता जो है, गुप्ता वंश आया, गुप्ता एजाई, जिसको कि स्वर्ण काल भी बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, गोल्डन एरा बोलते हैं गुप्ता को, और डार्क एरा किसको बोलेंगे? दिल्ली सल्तनत को, ठीक, जी से जी, डी से डी। इसमें क्या है कि कुषाण साम्राज्य के विघटन मतलब कि जब ये खत्म हो गया, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन की यहाँ पे ये प्रवृत्ति चालू हुई, और उसके बाद 4 AD से यहाँ पे गुप्ता राजवंश के उदय होने का जो है उदय हुआ, और फिर धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। इसके बाद उत्तर भारत सहित सभी जो है भागों में छोटे छोटे राज्य और गणराज्य का शासन हो गया था इसके बीच के काल में, ठीक है। फिर मगध में अगर आप बात करेंगे, मगध में गुप्त वंश की जो है स्थापना 275 AD से हुई थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने स्टार्ट किया था इनको, लेकिन इस वंश का, गुप्ता वंश का जो है एक्चुअल फाउंडर किसको माना जाता है? एक्चुअल संस्थापक, वास्तविक संस्थापक घटोत्कच को माना जाता है, ठीक है। घटोत्कच के बाद उनका जो है पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम मगध का शासन बना, शासक बना। उसके बाद फिर इसने मगध की सीमा को काशी और कौशल तक बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद फिर 319-20 ईस्वी यानी कि AD में गुप्त संवर्धन का ये प्रवर्तन हुआ, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद फिर समुद्रगुप्त आया, इसको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री के लिए जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि भारत का नेपोलियन और प्लस समुद्रगुप्त का ये मेंशन कहाँ पे किया गया? उत्तरापद और दक्षिणापद, ये जो अभियान है इसका प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है ये उल्लेख यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि वही हो गया कि नॉर्थ में जो इसके जितने भी, ये नॉर्थ की तरफ गया, ये जो दक्षिण में जितना इसने जो है विस्तार करने की कोशिश की, वो सब कहाँ पे पाया गया है? ये उल्लेख कहाँ पे हुआ है? प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मतलब नॉर्थ की तरफ कहाँ कहाँ एक्सपेंड किया? 12 राज्य में से 4 उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं गुप्ता के। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि जो कंप्लीट उत्तर प्रदेश है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश है, वो गुप्त साम्राज्य का अंग था ये, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र आया चंद्रगुप्त 2, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको बोलते हैं विक्रमादित्य, ठीक है। ये विद्या का बड़ा प्रेमी था, इसने जो है दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी इसमें, और इसमें अगर आप देखेंगे कौन कौन थे, काली और उसमें और भी जो है 9 विद्वान जो थे ही, और उसमें उसके बाद फिर कालिदास हो गए, धन्वंतरी हो गए, छमणक हो गए, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वारामहिर या वरुचि सम्मिलित थे। अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, गुप्त काल का स्वर्ण युग किसको बोले थे? एक तो इंडिया का अगर गोल्डन एज की बात करेंगे तो वो गुप्ता एज है, लेकिन अगर गुप्त काल का मतलब गोल्डन एज ऑफ गुप्ता कब बोला जाता है? विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त 2 के पीरियड को बोला जाता है गुप्त काल का स्वर्ण युग, यानी कि गोल्डन एज ऑफ गुप्ता एज, गोल्डन एज ऑफ गुप्ता, ठीक है। मंदिर कला का विकास गुप्ता काल में ही हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव यानी कि कानपुर में, प्लस जो है भीतरी गाजपुर, देवगढ़, झांसी में ये जो मंदिर के अवशेष मिलते हैं, और भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट कल्चर का हुआ है गुप्त काल में। पोस्ट गुप्ता के बाद की बात करेंगे तो पोस्ट गुप्ता मतलब कि जब गुप्ता जो है पतन हो रहा था, तो उसके बाद फिर भारत ये ऐसी राजनीतिक इतिहास हुआ कि कई सारे जो है मतलब कोई इतनी बड़ी किंगडम नहीं आई, ठीक है। उसमें फिर डिसेंट्रलाइजेशन होता रहा, रीजनलिज्म होता रहा, छोटे छोटे राज्य बनते रहे। 7वीं सदी तक आते आते पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था, उत्तर भारत का एक पॉलिटिकल सेंटर बन गया था, राजनीतिक केंद्र बन गया था। उत्तर भारत में गुप्ताकालीन जो है शांति और समृद्धि के लिए जो है, पीस और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ये माना जाता है, लेकिन फिर भी जो लास्ट के गुप्ता किंग थे वो नहीं बचा पाए इनको।
484 ईस्वी में तोरमाण और मिहिरकुल के लीडरशिप में उत्तर पश्चिमी चीन के श्वेत जो हूण आए थे, उन्होंने मथुरा, कन्नौज और कौशाम्बी पर धावा बोला और इन नगरों को बिल्कुल जला डाला। इसके बाद कन्नौज के मौखरी वंश प्लस इनके जो है इनके इसके शासक थे ईशान वर्मा ने हूणों को पराजित किया, मतलब हराया, और उत्तर भारत को हूणों से मुक्त कराया। ठीक है, फिर कन्नौज पर मौखरी डायनेस्टी का शासन रहा, कुछ समय तक रहा, लेकिन उसके बाद फिर पुष्यभूति यानी कि वर्धन डायनेस्टी की ये जो सत्ता स्थापित हो गई, पुष्यभूति यानी कि ये क्या है, वर्धन डायनेस्टी फिर आई। ठीक है, अभी तक जो भी मेंशन हुई है जैसे शुंगा डायनेस्टी, मगधा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, इंडो ग्रीक, ठीक है, कुषाण, फिर गुप्ता, और उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे फिर अभी हमने बताया कौन कौन सी है, ये छोटी छोटी थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मौखरी वंश और फिर उसके बाद जो है वर्धना डायनेस्टी, ये इंपॉर्टेंट है। इसका फाउंडर कौन था, पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति से लेकर तीन शासक जो है सामंत थे यानी कि फ्यूडल्स थे, वो जमींदार थे छोटे छोटे, उनको जो है लैंड दिए गए थे, लेकिन जो चौथा शासक था प्रभाकर वर्धन, इसने इस वंश को जो है थानेश्वर का स्वतंत्र शासक बना दिया। ठीक है, रिवोल्ट करके उसने जो है स्वतंत्र अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था और जो है हर्ष ने थानेश्वर की जगह कन्नौज को जीता और अपनी राजधानी बनाया, कैपिटल बनाया, और उत्तर भारत को एक बार फिर से राजनीति के मुख्य पटल पर स्थापित कर दिया, फिर से मतलब पॉलिटिकल सेंटर बना दिया। हर्ष का जो साम्राज्य थानेश्वर से लेके दक्षिण में नर्मदा नदी तक था ये, और पूर्व में जो है ईस्ट में गंजम से लेके पश्चिम में बल्लभी तक था ये। कन्नौज को उसकी समृद्धि के कारण महोदय श्री कहा जाता है। ठीक है, महोदय श्री किस शहर को कहा जाता था, कन्नौज को, ये जरूर याद रखिएगा। फिर उसके बाद है, अगर हर्षकालीन के टाइम पे देखेंगे तो शासन और कन्नौज का जो इतना ज़्यादा ये प्रॉस्परस था कन्नौज, उसका उल्लेख भी मिला है हुयेनसांग जो थे उसके जो राइटिंग्स है उनमें मिला है। फिर हर्षवर्धन ने दो बौद्ध सम्मेलन किए थे, एक था द कन्नौज असेंबली और एक था द प्रयाग असेंबली। ठीक है, हर्ष के बाद जो है फिर से उथल पुथल मच गई थी और फिर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हो गया था, मतलब कन्नौज में पूरी तरह से अपने शासन को करने के लिए तीन शक्तियां भिड़ रही थी। ठीक है, कुछ समय तक अगर आप देखेंगे वर्धन वंश जो वर्धन डायनेस्टी थी, उसके बाद कुछ समय तक तो कन्नौज यशोवर्मन नामक एक शक्तिशाली शासक के अधीन रहा था, लेकिन फिर जो है आयुध वंश की स्थापना हुई और जो आयुध वंशी राजा थे इंद्रायुध, उसके टाइम पे कन्नौज पर ये तीन शक्तियां थी उस टाइम पे, जैसे पाला डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी और राष्ट्रकूट, इनके बीच में एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हो गया। ट्राइपार्टाइट मतलब वही तीन लोगों के बीच में 200 साल तक चलता रहा। इसमें फाइनली विजय किसकी हुई थी, गुर्जर प्रतिहार की हुई थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर याद रखिएगा। और प्रतिहार लोग जीत तो लिए थे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रख पाए, फिर राजकुट के हाथ में चला गया, फिर फाइनली जो है प्रतिहार के उसमें आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसी हुई है, मतलब फाइनली जो है गुर्जर प्रतिहार इसमें जीते थे। उसके बाद इनका साम्राज्य जो है मुल्तान से सौराष्ट्र तथा बिहार से लेके विंध्य तक था ये। फिर मिहिर बोज, महिपाल, महेंद्रपाल आदि इस वंश के फेमस यहाँ पे जो है रूलर्स हुए हैं ये। और इसमें जो है एक राजा भोज था, जैसे आपने सुना होगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री, तो ये वो वाले राजा भोज बहुत शक्तिशाली थे। इनके समय में सुलेमान भारत आया था और जो ये भोज थे ये वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। 9th और 10th सेंचुरी जो आपका एडी चल रहा था उस टाइम उत्तर भारत गुर्जर प्रतिभाओं जो सॉरी गुर्जर प्रतिहार जो थे उसके सत्ता शासन के अधीन था ये। ठीक है, फिर आया 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने प्रतिहारों को पराजित कर दिया। ये देखिए, ये एक्चुअली ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है, ये नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखें गुर्जर प्रतिहार थे, पाला डायनेस्टी थे और प्लस राष्ट्रकूट थे इधर, तो फाइनली जीता कौन था, गुर्जर प्रतिहार। रीज़न क्या थे कि भाई जो रिच रिसोर्सेज थे कन्नौज में उनको कब्जा करने के लिए, हमेशा से वही चलता है कि रिसोर्सेज के लिए ही लड़ाई चलती है, आज भी रिसोर्सेज के लिए ही, अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में हो गया या फिर मतलब दुनिया भर में, जैसे अगर आप ओशन की बात करेंगे तो आर्कटिक में हर जगह हर कंट्री घुसा हुआ है कि हमें भी चाहिए सब जगह, वही पहले भी चलता था। सुप्रीमेसी कन्नौज में इस्टेब्लिश करने के लिए, प्लस जो है अपनी आर्मी को मेंटेन रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गुजरात और मालवा वाला एरिया, और प्लस कन्नौज जो है वो गंगा के ट्रेड रूट में स्थापित था, तो उसको जो है सिल्क रूट में ये इस टाइम पे मिला हुआ था, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कन्नौज कैपिटल सिटी भी था हर्षवर्धन की, और ये सब चीज़ें थी। ठीक है, प्रतिहार के बाद क्या क्या कंडीशन हुई वो सब चीज़ों के बारे में बताया गया है।
प्रतिहार के बाद जो है मध्य देश यानी कि उत्तर प्रदेश में फिर से अराजकता फैल गई। फिर उत्तर प्रदेश में दो नए यहाँ पे डायनेस्टी आई, एक था महोबा का चंदेल वंश, लेकिन ये ज़्यादातर एमपी के आसपास अपना जो है इन्होंने डेवलपमेंट किया, 400 साल तक रहे। चंदेल जो राजा के जितने भी ये नमूने हैं ये सब मतलब इन्होंने ज़्यादातर डेवलपमेंट खजुराहो में किया जो एमपी में, और दूसरा कन्नौज और बनारस का गहड़वाल वंश था, गहड़वाल डायनेस्टी थी। ठीक है, इन दोनों राजवंश के फिर बाद ये है मध्य देश में फिर से थोड़ा बहुत शांति हुई और सुव्यवस्था हुई। फिर उसके बाद गहड़वाल वंश का प्रथम राजा था जो यशो विग्रह था, लेकिन इस वंश के सबसे प्रमुख राजा थे गोविंद चंद्र और जयचंद्र थे। जयचंद्र की पुत्री थी, डॉटर थी संयोगिता, जिनका स्वयंवर पृथ्वीराज द्वारा जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने अपहरण करके कर लिया था, और इसके कारण जो है ये उससे खुन्नस रखता था पृथ्वीराज चौहान से। इसीलिए इन्होंने जो है पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी का जो दो बार युद्ध हुआ था, एक तराइन वन था जिसमें जो कि शायद 1100, एक मिनट रुकिए, देखिए बैटल ऑफ तराइन पहला वाला था 1192 में, उसमें तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन फिर 1194 में जो है बैटल ऑफ ये तराइन टू हुआ था जो, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे, नहीं यहाँ पे फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये माफ़ी चाहता हूँ, एक गलती हो गई। बैटल ऑफ तराइन जो है पहला वाला हुआ था 1191 में, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं इसको, और इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन फिर जो है जयचंद ने ही यहाँ पे मुखबरी कर दी थी और कुल मिला के धोखा दे दिया, डिच कर दिया था। तो बैटल ऑफ तराइन टू में 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और प्लस उसको मार भी दिया था, फिर जयचंद को भी मार दिया था हालांकि उसने 1194 में। तो इसीलिए जो है ये इतिहास भी मतलब ये गवाह है कि धोखाधड़ी अगर आपस में यूनिटी नहीं रखोगे तो जो है बाहर के लोग आके मारेंगे, वही वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर धीरे धीरे जो मध्य देश यानी कि उत्तर प्रदेश तुर्कों के हाथ में आ गया, फिर आई दिल्ली सल्तनत, ठीक है, मोहम्मद गौरी के जो है इन्होंने जो मतलब अपने जो चेले चपाटे थे जैसे उस टाइम के कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनका बहुत विश्वासपात्र गुलाम था, इसीलिए इस वंश को भी गुलाम वंश बोला गया, उसको बैठा दिया। फिर ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश बना, ठीक है, फिर ये इल्तुतमिश उससे पहले क्या था, बदायूं का इक्तेदार, मतलब वही जमींदार जो इक्ता सिस्टम चलता था। इक्ता सिस्टम का क्या मतलब होता है वो भी समझ लेते हैं। इक्ता का मतलब है कि जैसे कोई अगर आप किसी को जॉब पे रखो तो उसको सैलरी ना दो, एक जमीन का टुकड़ा दे दो कि आप उसी पे जो है अपना जो जमीन से उसमें कराए वो सब आपकी सैलरी होगी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत क्योंकि डेली डेली बढ़ता जा रहा था, इसके कारण उसको मैनेज करना कठिन हो गया था, इसीलिए इतना बड़ा हो गया था कि अकेला शासन करना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए उल्तुतमिश ने दिल्ली साम्राज्य को कई सारे छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया, उसको बोलते थे इक्ता, ठीक है, और इन जो इक्ता पर शासन करते थे उन्हीं को इक्तेदार बोला जाता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे। फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बादशाहों ने धीरे धीरे दिल्ली की सीमा बढ़ाई। अगर आप प्रेजेंट उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो ज़्यादातर जो एरिया था इस साम्राज्य का दिल्ली डायनेस्टी का जो है अंग रहा है, ठीक है, और ये पूरा प्रदेश जो है दिल्ली के सुल्तानों का विरोध भी करता रहा हालांकि, ठीक है, क्योंकि दिल्ली की तरफ इनका ज़्यादा फोकस रहता था। फिर तुगलक वंश के जो सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने उत्तर प्रदेश में दो नए नगर यहाँ पे स्थापित किए, एक थे फिरोजाबाद और जो है जौनपुर का निर्माण करवाया, ठीक है। उसके बाद जौनपुर की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जौना खान की स्मृति में किया गया था। तो जौनपुर जो है जौना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया गया था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद अगर आप देखेंगे इसमें ये तुगलक वंश समाप्त हो गया, ठीक है। फिर तुगलक वंश की समाप्ति से पहले 1394 में उत्तर प्रदेश में जौनपुर में शर्की साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और ये किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक के जो एक प्रमुख अमीर थे नसरुद्दीन तुगलक के विरोधी सूबेदार थे, उनका नाम था मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ने की थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे मलिक सरवर को तुगलक वंश के उस सुल्तानों ने मलिक उर्फ शर्क की उपाधि दी थी, यानी कि पूर्व का स्वामी, ठीक है, ईस्ट का राजा की उपाधि दी थी, और इसीलिए पूर्वी क्षेत्रों का राजा बना दिया था, शासक बना दिया था। इस उपाधि के कारण ही इनका जो है साम्राज्य शर्की कहलाया है, तो शर्की साम्राज्य आ गया था। इसके बाद जो शर्की सुल्तान थे उन्होंने जौनपुर नगर को बहुत वहाँ पे जो है महल बनाया, मस्जिद बनाई, मकबरे बनाए, बहुत सुंदर सा बनाया जौनपुर को, और जौनपुर में जो है शिक्षा, संस्कृति, कला, व्यापार उसका पूरा का एक सेंटर बना दिया ये। इसीलिए जौनपुर को बोला जाता है सिराजे हिंदुस्तान, ठीक है, सिराज ऑफ द ईस्ट, सिराजे हिंदुस्तान, ये सब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। फिर
दिल्ली के सुल्तान अगर आप देखेंगे, बहलोल लोधी ने 1484 ईस्वी में जौनपुर को जीत लिया और शर्की साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया, ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली के पूर्ववर्ती जो ये तुर्क थे, मतलब इससे पहले के ये तुर्क थे, फिर लोधी जो थे ये अफगानी थे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप देखें इसमें, तो सबसे प्रमुख जो लोधी सुल्तान कौन था, सिकंदर था। सिकंदर लोधी ने 1506 में आगरा शहर की नींव डाली, तो आगरा का फाउंडर कौन था, सिकंदर लोधी, और उसको अपना उपराजधानी बना लिया, ठीक है। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। बाबर ने इब्राहिम को 1526 के पानीपत में जो है परास्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ये दिल्ली सल्तनत का आप देख सकते हैं, पांच डायनेस्टी आई थी यहाँ पे। एक ममलुक थी जिसको कि गुलाम भी बोलते हैं, फिर खलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी, ठीक है। इसका क्यों ये मतलब डिसइंटीग्रेट हो गया, क्यों ये जो है इसमें कई सारे मंगोल ने अटैक किया, प्लस यहाँ पे अच्छा ये क्या क्या मतलब इसमें हुए ये सब काम, तो मंगोल ने अटैक किया, बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हुआ, प्लस जो है फीमेल रूलर भी आई यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो, रजिया सुल्ताना। इनके मेन काम क्या क्या थे, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, आगरा की स्थापना लोधी ने की थी 1506 में, और जौनपुर के जामी मस्जिद और लाल दरवाजा का जो है निर्माण किसने किया था, शाह शर्की ने, हुसैन शाह शर्की ने। जौनपुर के अटाला मस्जिद तथा झंझरी मस्जिद का निर्माण किसने किया, इब्राहिम शाह शर्की ने। बदायूं की जामा मस्जिद उलतुतमिश ने बनवाया था। फिर मुगल काल आ गया, मुगल डायनेस्टी आ गई। फिर इसमें अगर आप देखेंगे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की खंडरों पर मतलब मुगल यहाँ पे डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर दिया था। स्टार्टिंग में ये गंगा घाटी में संभल और जौनपुर, गाजीपुर का अल्पी, टावा, कन्नौज के आसपास, कन्नौज के अफगानों के प्रतिरोध मिल रहे थे इनको। अफगानों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए फिर इन्होंने, बाबर ने युद्ध किया 1529 में, और महमूद लोधी और नुसरत शाह को घाघरा के तट पर हरा दिया, तो बैटल ऑफ घाघरा जो था वो। फिर बैटल ऑफ खनवा हुआ, उसमें राणा सांगा को भी हरा दिया और अवध और कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया बाबर ने। तो ये सब बाबर के युद्ध हैं, ठीक है। बाबर के कितने युद्ध हुए हैं जरा एक जल्दी से कोई कमेंट करके बताइए, और उसकी एक ट्रिक भी है अगर आपने जो है याद की हो, बहुत पहले मैंने बताई थी एक बार। 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई, उसके बाद आया हुमायूं। अगर एक ही छोटी सी ट्रिक है शायद यहाँ तक, बादशाह करके है ये मुगल, जो मेन वाले मुगल हैं उनको याद रखने की, बाबर, हुमायूं, अकबर जो है आपका, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये है एक छोटी सी ट्रिक, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। एक और है, भाजी सब्जी फॉर माजी ऐसे करके कुछ है वो, मतलब जितने भी रूलर हुए हैं मुगल के उन सब का है इसमें, ठीक है। फिर बाबर की जब डेथ हो गई तो हुमायूं को तो बना दिया गया, लेकिन उस टाइम जो है सूर वंश, सूर डायनेस्टी भी आ गया था, उसके संस्थापक था शेर शाह सूरी, उसके उसने जो है हुमायूं को हरा दिया था। जब तक वो जिंदा रहा शेर शाह सूरी, तब तक हुमायूं गद्दी पे नहीं बैठ पाया था। वो एक अफगान था और उसके बचपन का नाम फरीद खान था। शेर शाह के जो पिता थे हसन, जौनपुर के शासक जो जमाल खान शेरवानी के द्वारा उनको जागीर स्वरूप में मिला था, कबासपुर, सहसराम और हांजीपुर टंडा का प्रबंध देखते थे ये, ठीक है। सूर डायनेस्टी इन्होंने कर दी थी शेर शाह ने। फिर शेर शाह ने अगर आप देखें तो चुनार की जो विडो थी मलिका से विवाह करके चुनार को भी कर लिया था प्राप्त। उस टाइम ऐसा होता था, मैट्रिमोनियल अलायंस होते थे, मतलब किसी भी अगर जैसे तो ये सब मैट्रिमोनियल अलायंस चलते थे उस टाइम। फिर कलिंजर पर आक्रमण करके तोप का गोला, जब मतलब शेर शाह की जब मौत हो गई थी उस टाइम पे, तोप का गोला फटने से हुई थी इनकी मौत, कलिंजर पर आक्रमण किया था उस टाइम हुई थी, तब जाके हुमायूं वापस आ पाया था, ठीक है। मृत्यु के पश्चात ही हुमायूं फिर से एक्टिवेट हुआ और 1555 में, लेकिन फिर दिल्ली का शासक बना, और एक साल के बाद 1556 में अपनी लाइब्रेरी से गिर के मर गया। तो लाइब्रेरी से गिर के कौन मरा था, हुमायूं, ये जरूर याद रखिएगा, हुमायूं जो है लाइब्रेरी से गिर के मरा था। हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन आया, उसका पुत्र अकबर, ठीक है। अकबर के बाद जो है एक नवीन युग का, फिर से मॉडर्न एज का यहाँ पे स्टार्ट हुआ। फिर बोला जाता है कि ये शांति, समृद्धि और उदारता और हिंदू मुस्लिम को जो है यहाँ पे कल्चर को यहाँ पे यहाँ काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट देता था ये। फिर ये अगर आप देखेंगे तो, लेकिन अकबर काफ़ी लिबरल था, जहांगीर और शाहजहां भी थे, लेकिन उसके बाद औरंगजेब जो है काफ़ी कट्टर था। उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर उस टाइम पे जो हिस्टोरियंस थे, जितने भी मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश को जो है हिंदुस्तान की संज्ञा प्रदान की थी, हिंदुस्तान बोला था। अकबर के 9 जेवल्स थे जो नौरत्न बोले जाते हैं, उनमें से दो जो प्रसिद्ध थे
वो थे टोडरमाल, वो सीतापुर के थे, और बीरबल थे कालपी के, ये दोनों उत्तर प्रदेश के थे, 9 में से 2 उत्तर प्रदेश के थे। शाहजहाँ ने जो है दिल्ली को मुगलों की राजधानी बनाने से पहले आगरा को, मतलब शाहजहाँ ने पहले क्या किया था, दिल्ली को मुगलों की राजधानी बनाया था, लेकिन उससे पहले आगरा ही मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो आगरा का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंस। फिर आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में अकबर ने 1572 में किले का निर्माण शुरू कराया, जो 8 वर्ष में जो है निर्मित हुआ। शाहजहाँ ने फिर ताजमहल बनवा दिया था, आपको पता है। फिर आगरा में और भी एक ये मोती मस्जिद को भी शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहाँ ने अपनी पत्नी जो थी, क्या नाम था उनका, मुमताज महल की मृत्यु के बाद उसकी याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। ठीक है, और इसको जो है निर्माण कला का रत्न भी माना जाता है। शाहजहाँ के बाद मुगल सत्ता औरंगजेब के हाथ में आई, और लेकिन ये इसने लिबरलिज्म की पॉलिसी कर दी थी, तो ज़बरदस्ती जो है रिलीजियस कन्वर्जन कराता था हिंदू टू मुस्लिम, और प्लस जो है इसने बहुत सारे टैक्स लगा दिए। ठीक है, जजिया जैसे लगाया इसने, फिर से रिवाइव कर दिया था, तो इसने काफ़ी कट्टरपना किया था। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि क्या रीज़न थे, क्यों मुगल जो है सल्तनत डिक्लाइन हो गई थी इंडिया में, इसको आप आंसर करने की कोशिश करिएगा, मेंस का क्वेश्चन है ये। औरंगजेब के बाद अगर आप देखेंगे तो सारे जितने भी मुगल शाह थे, बादशाह थे, बहुत मतलब वीक थे वो, और इतने अच्छे नहीं थे, इतने जो है कैपेबल नहीं थे कि वो पूरी सत्ता को मेंटेन रख सकें। 1757 तक उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे, क्योंकि वो पूरी सत्ता को बचा ही नहीं पाए थे जो लास्ट में मुगल थे। फिर मेरठ और बरेली के उत्तर में देखिए नाजिब खान ने पठान सरकार बना ली थी, मेरठ और दुआब क्षेत्र में रुहेलों के अंतर्गत रुहेलखंड बना लिया गया था, फरुखाबाद के नवाब के अंतर्गत मध्य दुआब वाला जो क्षेत्र था उसको बना कर लिया गया था, वर्तमान में जो अवध और जो है पूर्वी जिले था उसमें अवध के नवाब और बुंदेलखंड में मराठों का शासन हो गया था ये। फिर अवध के नवाब अगर देखेंगे तो 1722 से लेके 1856 तक रहे। अवध क्या था, मुगल साम्राज्य का एक सूबा था, जिसको अगर आप बोलेंगे तो जो प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश है उसका बड़ा हिस्सा था ये। ठीक है, अभी भी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे अवध रीजन बोलते हैं ये। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर 1722 में अवध के जो सूबेदार थे सआदत खां बुरहान उल मुल्क ने, इन्होंने अपना आपको स्वायत्त कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। सआदत खान के बाद सफदरजंग जो कि उनका दामाद और भतीजा था उसने अवध पर शासन किया, उसके बाद फिर सुआजुद्दौला और आसफुद्दौला ने अवध के शासक बने, ये मतलब इन्होंने रूल किया। फिर आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र कर दी थी। 1819 ईस्वी में इस वंश के 7वें शासक सआदत खान के जो है अवध के राजा की उपाधि धारण की। फिर अवध के स्वतंत्र शासकों की कड़ी का अंतिम शासक था वाजिद अली शाह। 1856 में अगर आप देखें तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन में मिला दिया था, मतलब वहाँ पे मिस गवर्नमेंट के चलते मिला लिया था। ठीक है, उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला कॉन्सेप्ट भी चल रहा था, हालांकि अवध में ऐसी चीज़ें नहीं थी, अवध में बोला कि ये मिस गवर्नमेंट कर रहा है, इस चक्कर में मिला लिया। फिर 1857 की क्रांति हुई, और इसमें अगर आप देखेंगे तो मतलब शुरू से ही उत्तर प्रदेश का पूरा ये सब जो है वर्चस्व रहा है पॉलिटिकल में। 1857 में भी अगर आप देखें तो पहला जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तो वो मेरठ से ही हुआ था। ठीक है, कुछ इसमें अब ये सब 1857 की क्रांति के वो बता रहे हैं कि क्या क्या इसके रीज़न थे। देखिए 1857 के एक इमीडिएट रीज़न तो था वो कारतूस वाला, कि मतलब उस कारतूस में गाय और जो सुअर दोनों का जो है चर्बी थी, कि गाय किसके लिए हराम है, हिंदुओं के लिए, और सुअर जो है वो मुस्लिमों के लिए, तो मतलब इनको धर्म भ्रष्ट करने के लिए। लेकिन रीज़न और भी बहुत सारे थे, सोशल रीज़न थे, पॉलिटिकल रीज़न थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न थे, मिलिट्री रीज़न थे। सोशल रीज़न क्या थे कि ये लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने आके बहुत सारे लॉ में जैसे एंटी सती एक्ट लाया, विडो रिमैरिज एक्ट लाया, तो उससे जो है इंडियन सोसाइटी बहुत घबरा रही थी कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। पॉलिटिकल रीज़न अलग थे कई सारे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न अलग थे, मिलिट्री वाले रीज़न अलग थे, कि इनको ज़बरदस्ती जो है सैनिकों को बाहर भेज दिया जाता था उस टाइम पे, ऐसी थी कि समंदर पार गए तो मतलब धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें थी। तो धीरे धीरे जो है डिसकंटेंट बढ़ता गया था, तब जाके ये हुआ था। प्लस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, कई सारे रीजन थे उसके, इकोनॉमिक रीज़न थे कि जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें हुई। ये 1857 वाला मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा उसको, बिपिन चंद्रा प्लस स्पेक्ट्रम का वीडियो मैंने खुद बनाया हुआ है। 1857 के 2 पार्ट हैं, उसमें सब कुछ जो है मैंने बताया हुआ है, और वही उसी का थोड़ा थोड़ा यहाँ लिखा हुआ है कि मेरठ की तीसरी देसी घुड़सवार सेना के जो सैनिक थे उन्होंने ये चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया,
अंग्रेजों ने फिर 90 में से 85 सैनिकों को 9 मई को वर्दी उतारकर जंजीरों में जकड़ के कैद कर लिया। फिर उसमें मेरठ के जो सिपाही थे उनमें विद्रोह की भावना आ गई। 10 मई 1857 को खुला विरोध हो गया और जो है उन साथ जितने वहाँ पे सिपाही थे उन्होंने अपने साथियों को मुक्त करा लिया था। उसके बाद फिर वहाँ के कुछ अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या भी कर दी थी और फिर इन्होंने 11 मई 1857 को दिल्ली में कब्जा कर दिया, दिल्ली में कूच कर गए थे। और जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह सेकंड, उनको जो है इंडिया का सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है, फिर ये जलसा नामक समिति ने दिल्ली का प्रशासन संभाला था, इसमें 4 नागरिक और 6 सैनिक थे। फिर मेरठ और दिल्ली की घटनाओं के बाद फिर उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर, अगर आप देखें 1857 वाला रिवोल्ट ना एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में ही हुआ था, नॉर्थ और ईस्ट में। ठीक है, इस साउथ में इसका इतना असर नहीं था। फिर ये अगर आप देखें तो ये 1857 के मेन जो है सेंटर थे, जैसे लखनऊ में कौन लीड कर रहा था, बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, ठीक है, बरेली में खान बहादुर खान, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, कालपी में तात्या टोपे, मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह। फिर इस विद्रोह ने मतलब कुल मिला के अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से हिला तो दिया ही था, फिर उसने पूरी ताकत झोंक दी थी उस टाइम पे। दिल्ली में जनरल बख्त खां के नेतृत्व में भारतीय जो सिपाही थे और जो है जॉन निकोलस में जो है काफ़ी जो देर तक लड़ाई चली और फाइनली जो है अंग्रेजों ने दिल्ली में कब्जा कर लिया और बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। उनके बच्चों को भी जो है गोली मार दी थी और ये सब चीज़ें काफ़ी फेमस है दिल्ली में भी। तात्या टोपे में के नेतृत्व में ये जो ग्वालियर रेजिमेंट था उसमें कानपुर में ये कानपुर को कब्जा कर लिया था तात्या टोपे ने, लेकिन दिसंबर 1857 में सर कोलिन कैम्बल, ये पता नहीं इन लोगों के आगे सर क्यों लगाते हैं, इन्होंने कानपुर में फिर से कब्जा कर लिया था। लखनऊ में अवध की महारानी बेगम हजरत महल उस टाइम पे डोमिनेट कर रही थी, लेकिन फिर ब्रिटिश रेजिडेंसी ने कब्जा कर लिया था फाइनली। और धीरे धीरे मतलब कुल मिला के हर जगह कब्जा कर लिया गया था। ये आप 1857 वाले में कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए थे पूरे ब्रिटिश शासन में। उसमें बोला गया था 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जो दरबार आयोजित हुआ था उसमें महारानी ने अपना जो है डिक्लेरेशन पढ़ा था, और उसमें कैनिंग ने बोला था, कैनिंग ने, कि अब भारत का जो है शासन क्राउन के अधीन रहेगा, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत वाली सीरीज़ मैंने पूरी बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें सब बताया हुआ है ये। और उसमें गवर्नर जनरल को अब वॉयस राय की उपाधि दे दी गई थी। फिर उसके बाद जो है 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कर दी गई थी। ठीक है, तो इलाहाबाद भी कुछ दिनों तक रही है। उसके बाद फिर उत्तर पश्चिम प्रदेश तथा अवध के रूप में बटे उत्तर प्रदेश को लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया था, जिनको क्या बोला जाता था, आगरा और अवध के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, फिर अगर आप देखें तो इसमें क्रांति के समय राष्ट्रवाद का विकास हुआ, मतलब कई सारे जो है सोशल रिलीजियस मूवमेंट चले, आंदोलन चले, शिक्षा में प्लस समाचार पत्र प्लस कई सारी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, तो कुल मिला के नेशनलिज्म की भावना भी जो है आई इसमें। और ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई है हिस्ट्री में, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी से कवि वचन सुधा 1857 और हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किया, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप निकाला। ठीक है, और भी काफ़ी सारे जो है प्रयास चल रहे थे इसमें। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कि मुस्लिम में भी काफ़ी सारे जो है यहाँ पे रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे, रिफॉर्मिस्ट और रिवाइलिस्ट कई सारे टाइप के मूवमेंट थे। ये मोहम्मद कासिम ननौतवी रशीद अहमद गंगाही ने 1867 में देवबंद में इस्लामिक मदरसे की स्थापना की और इसमें जो है विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का नारा यहाँ पे प्लस ये सिखाया जाता था, प्लस दारुल उलूम और देवबंद आंदोलन की शुरुआत करी गई। उसमें फिर उस टाइम पे जैसे सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी प्लस एंग्लो जो इंडियन एंग्लो सॉरी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है आज, उसको यहाँ पे फाउंडेशन किया। फिर सर सैयद अहमद खान ने तहवीज उल अफलाक, ठीक है, और तथा जो राजभक्त मुसलमान ये सुसलमान नामक पत्रिकाएँ जो है यहाँ पे निकाली। ठीक है, राजभक्त मुसलमान है ये, ठीक है, राजभक्त सुसलमान नहीं मुसलमान है। एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी, ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है UPSC में कई बार। और जिसको कि 1916 में मालवीय मदन मोहन मालवीय जी ने BHU बना दिया था। फिर स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम लेखक लेखराम ने
हरिद्वार में गुरुकुल प्रांगण की स्थापना की। 1861 में शिवदयाल साहब ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना करी। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को बना दिया गया था, और उसमें अगर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। 1885 में ये बनाया गया था। इसकी दो थ्योरी भी है, मैंने आपको बताई भी थी कि एक होती है सेफ्टी वॉल थ्योरी और एक होती है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या होती है कि ब्रिटिशर्स बोलते थे कि इंडियंस में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट था और इसीलिए इनको कुछ सेफ्टी वॉल दे दो कि अपना रोष निकाल सके वहाँ पे। तो इन्होंने एओ ह्यूम को एज अ सेफ्टी वॉल दिया और खुद बनवा दी कांग्रेस। लाइटनिंग कंडक्टर वाली थ्योरी क्या है कि भारतीय कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, तुम बेवकूफ़, ऐसा कुछ नहीं, हमने जो है एओ ह्यूम को यूज़ किया और लाइटनिंग उसको कंडक्टर की तरह यूज़ करके फाइनली हमने बना ली ताकि तुमको भगा सकें। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और इसमें फिर ये पहला जो है इसका ये सेशन हुआ था मुंबई में 1885 से लेके अगर आप देखेंगे 1947 तक। उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए हैं? 9 सेशन हुए हैं टोटल मिला के। इसमें कौन कौन से? 1888, 1892, 1910 में जो है इलाहाबाद में हुआ है, 1899, 1916, 1936 में लखनऊ में, 1905 में वाराणसी में, 1925 में कानपुर में, और 1964 में मेरठ में हुआ। ठीक है, नहीं यहाँ पे 1964 नहीं होगा, 1947 में होगा। 1947 में हुआ था ये मेरठ में। ठीक है, जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जे बी कृपलानी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था। फिर देखिए खिलाफत आंदोलन, अगर आप देखें तो खिलाफत आंदोलन यही था कि खलीफा जो है तुर्की का, उसको तुर्की का उसको हटा दिया गया था, इसीलिए पूरे दुनिया के मुसलमान एक हो रहे थे। उसी टाइम गांधी जी ने सोचा कि मुसलमान और हिंदुओं की एकता के लिए जो है खिलाफत को जो है जोड़ दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी। ठीक है, तो वो ज्वाइंट हो गया था वो पूरा, लेकिन फिर वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम को एक एक मंच पे लाने के लिए इसमें सहयोग का, ये जो है असहयोग जो आंदोलन था नॉन कॉपरेशन वाला, उसको मिला दिया था। 29 जून 1920 को इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। 1924 में आंदोलन, लेकिन फिर तुर्की में कमल पाशा की सरकार आ गई और उसने खलीफा के पद ही को समाप्त कर दिया था। खलीफा को माना जाता था कि मतलब पूरे दुनिया के मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है, कि जो खलीफा बोलेगा वही होगा। फिर जो है आपका ये असहयोग आंदोलन, अगर आप देखें इसमें इसमें नॉन कॉपरेशन या फिर असहयोग आंदोलन चल रहा था इसमें, और ये जो है उत्तर प्रदेश के गाँव गाँव तक फैल गया था। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी के प्रचार पर जोर दिया गया था। इसमें अगर आप देखें तो इलाहाबाद में, सॉरी उत्तर प्रदेश में कई सारे विद्यालयों की स्थापना करी गई, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। लेकिन उस टाइम फिर क्या हो गया था कि कुछ किसानों को पुलिस वालों ने मार दिया था, तो जो भीड़ थी उन्होंने 22 की जो पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। तो इसीलिए गांधी जी का प्रिंसिपल वहाँ पर टूट गया, क्योंकि वायलेंस हो गया। तो गांधी जी ने 12 फरवरी को इसको जो है अपने आप जो है बंद कर दिया नॉन कॉपरेशन में उनको। उसमें फिर कई सारे लोग गुस्सा भी हो गए थे। एक थे जो नो चेंजर थे, एक थे प्रो चेंजर। नो चेंजर कहते थे कि नहीं, जो गांधी जी ने कहा है वही ठीक है। प्रो चेंजर कहते थे कि नहीं, जो ऐसा नहीं कि सब कुछ गांधी जी हैं, उसमें हम लोग और भी जो है मेथड करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके ब्रिटिशर्स को एक्सपोज करेंगे। तो ये वाले ऐसे फिर यही वाले लोग थे, कौन? स्वराज पार्टी के लोग थे। इसमें जो है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसमें विट्ठल भाई पटेल, मालवीय जी और M.R. जयकर भी सम्मिलित थे। ठीक है, इन्होंने 1923 में विधान परिषद में चुनाव में भाग भी लिया। हालांकि स्वराज पार्टी को फिर कांग्रेस ने मतलब इंडोर्स कर दिया था कि ठीक है चलिए आप चुनाव लड़िए, और जैसे वो जीते भी थे तो देखा गया था कि हाँ इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा ही था। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, लेकिन मतलब कांग्रेस के अंदर ही रह के चुनाव लड़ना था। 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। उसके बाद मालवीय जी ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी नाम से नई पार्टी बनाई। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट, इसमें 1923 को हुआ था ये। और गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी 78 ये सत्याग्रही के साथ मिल के करी थी। तो ये वाले कुछ फैक्ट हैं आपको जरूर याद रखने चाहिए कि डांडी मार्च में कितने लोग थे। तो डांडी मार्च में ये कब से कब तक गए थे ये समझ लीजिए यहाँ पे, नहीं ये चीज़ गलत लिखी है, 6 अप्रैल को तो मतलब ख़त्म हुआ था ये डांडी मार्च। डांडी मार्च जो था वो 24 दिन का था। ठीक है, 12 मार्च
1930 से लेके चालू हुआ था ये, 6 अप्रैल 1930 तक। मतलब वही था कि एक डायरेक्ट कैंपेन था ये कि टैक्स को रजिस्टर करने का, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करने का। 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी चले थे, और ब्रिटिशर्स की जो है साल्ट मोनोपोली को तोड़ने के लिए था। ठीक है, तो ये वहाँ पे गए और उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा 6 अप्रैल 1930 को, और उसी से फिर ये सिविल डिसोबिडिएंट हुआ था। उसमें भी उत्तर प्रदेश में कई लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, कई प्रकार के करों को देने से मना कर दिया था। जयप्रकाश नारायण और शास्त्री जी ने जो है के सहयोग से नेहरू ने इलाहाबाद से करबंदी का आंदोलन छेड़ा। फिर उसके बाद ये मतलब फिर ये गांधी इरविन समझौता हो गया था। फिर उसके बाद और क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे कई सारे, क्योंकि उस टाइम गांधी जी ने जब ये एकदम से मना कर दिया था तो जो यूथ था, मतलब जो मतलब मेच्योर लोग थे, जो कांग्रेस में मॉडरेट्स ही थे, उसमें ज़्यादा ज़्यादा उन्होंने क्या किया, पार्टी बना के, स्वराज पार्टी बना के उन्होंने कहा कि हम लेजिस्लेटिव तरीके से चलेंगे। यूथ थे, उन्होंने कहा नहीं, हम तो मार मुर देंगे और जो है काट पीट देंगे वैसे वाले टाइप के। तो इनको इतिहासकारों ने रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म बोला है, हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यही लोग थे जिनकी वजह से थोड़ा सा डर भी था। ठीक है, तो इसमें जो है अगर आप देखें, इसमें जैसे कि युवाओं में बहुत ज़्यादा संतोष हो गया था, और 1924 में कानपुर में एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी गई। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन सान्याल थे, और इसके सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद थे, और इसका मुख्यालय आगरा था। 1928 में इसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया था, भगत सिंह आ गए थे जब। ठीक है, इसमें दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था उसमें, तो इसका नाम हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यानी कि पहले क्या था, ये HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, फिर हो गया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इन्हीं लोगों ने जो है ये काकोरी में ट्रेन का जो है खजाना लूटा था, और ये काकोरी वाला जो है इन्हीं लोगों ने पूरा प्लान किया था। ठीक है, इसको काकोरी कांड नाम से या फिर काकोरी कॉन्स्पिरेसी नाम से जाना जाता है ये। और ये किया कब था, ये 9 अगस्त को किया गया था, ये 1925 को लखनऊ के पास जो है एक ट्रेन जा रही थी उसको लूटा गया था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और कई सारे लोगों को जो है कारावास भी दिया गया था। इसमें जो है मुकदमा लड़ा था किसने, चंद्रभान गुप्ता ने लड़ा था, और उत्तर प्रदेश के शिव वर्मा और जयदेव कपूर के सहयोग से 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था ये। ठीक है, ये सहारनपुर में बनाया गया था, सहारनपुर में जो बम फैक्ट्री थी उसमें ये किया गया था, ये उसमें बनाया गया था। 1930 तक सभी को पकड़ लिया गया था ऑलमोस्ट, और आज़ाद को लेकिन नहीं पकड़ा जा सका था, चंद्रशेखर आज़ाद को। उनको फिर 27 फरवरी 1931 को वो वहाँ पे थे अल्फ्रेड पार्क में, और वहाँ पे किसी ने मुखबरी कर दी थी। किसी ने में जो बड़ा ये दिक्कत है यहाँ पे, कई सारे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें बड़े बड़े जो है आरोप लगाए जाते हैं आजकल की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कुछ लीडर्स पे। अब इस पे मैं इसलिए कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी फालतू में, लेकिन ये एक बड़ी जो है ऐतिहासिक यहाँ पे दर्ज है ये चीज़ें, कि आखिर जो है वो आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद जिन नेता से मिलके गए थे, वो बहुत बड़ा नाम है उनका, उनके उसके बाद ही तुरंत जो है क्यों उनको मार दिया गया, मतलब आखिर किसने बता दी थी उनकी खबर। किसी को अगर पता हो तो ज़रूर इस पे पूरी बात बताए, मैं यहाँ पे अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है थोड़ी सी। फिर किसान आंदोलन हुए, इसमें अवध क्षेत्र में किसानों को जमींदार और तालुकदारों के शोषण से के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास, ये सबसे पहले किसने किया, होम रूल लीग के। अच्छा, होम रूल लीग भी दो टाइप की थी, एक तो तिलक चला रहे थे और एक एनी बेसेंट। 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्रनारायण द्विवेदी और मालवीय जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का जो है गठन किया गया। उत्तर प्रदेश किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र झिंगरी पाल और दुर्गा पाल सिंह की अहम भूमिका थी। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, और उसके बाद अगर आप देखें 1918 दिसंबर में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में किसानों ने भाग लिया था। 1920 के मध्य में बाबा रामचंद्र ने आंदोलन की बागडोर खुद संभाल ली थी। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। तो अवध किसान सभा कब गठन हुआ, 17 अक्टूबर 1920 को। इसमें गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता जो है ये माता बदल पांडे और देवनारायण पांडे और केदारनाथ पांडे की अहम भूमिका थी। इसका मेन जो केंद्र था क्या था, प्रतापगढ़ था। ठीक है, और इसके बाद फिर 20 और 24 दिसंबर 1920 को अवध किसान सभा
कहाँ पे हुई, अयोध्या में हुई। फिर मदारी पासा नाम का एक किसान के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में यानी कि हरदोई बहराइच सुल्तानपुर सीता में एक ईका आंदोलन चलाया गया था। इसमें किसानों की मुख्य समस्याएं क्या थी कि टैक्स बहुत वसूल रहे हैं, प्लस जो है बार बार लगान वसूल करने आ जाते हैं, ये सब चीज़ों का विरोध था। फिर किसान सभा आंदोलन और एका आंदोलन में मेन डिफरेंस क्या था कि किसान आंदोलन मेनली इसमें किसान पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन एका आंदोलन में मतलब इसमें कोई जमींदार नहीं था, ठीक है, ये जमींदार नहीं था किसान सभा आंदोलन में, लेकिन एका आंदोलन में छोटे मोटे जमींदार भी शामिल थे, क्योंकि कई बार जो है ज़्यादा लगान लगा दिया गया था, उसकी वजह से वो भी खुद परेशान थे और सरकार से नाराज़ भी थे। ये एका मूवमेंट के बारे में, इसको यूनिटी मूवमेंट भी बोलते हैं, एक पेजेंट मूवमेंट था कुल मिला के। ये हरदोई बहराइच और सीतापुर में ये हुआ था 1921 में, मदारी पासा ने इसको लीड किया था। इनिशियल थ्रस्ट तो कांग्रेस के लीडर्स की तरफ ही से ही दिया गया था, लेकिन और रीज़न क्या थे इसके कि बहुत ज़्यादा रेंट था उस टाइम पे, 50% था जो कि रिकॉर्डेड था, मतलब कुल मिला के करप्शन भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, और उसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा था जो ठेकेदार से जिनको कि रेंट कलेक्ट करने के लिए भेजा जाता था। उसके बाद ये जो है इसको चालू कैसे किया गया था, एक रिचुअल हुआ था, उसमें एक छेद किया गया था और उसको बोला गया था रिवर गंगा, ग्राउंड में किया गया था एक होल और उसको पानी से भर दिया गया था। उसमें एक पंडित लाया गया था और उन्होंने सबने कसम खाई थी कि वो लोग जो है वो सिर्फ रिकॉर्डेड रेंट को देंगे, वो भी टाइम पे करेंगे और जो है कहीं जो है किसी के दबाव में नहीं आएंगे, फोर्स लेबर नहीं करेंगे, जो है क्रिमिनल की मदद नहीं करेंगे, पंचायत के डिसीजन को मानेंगे, ये सारी चीज़ें। तो इसमें जो है स्मॉल ज़मींदार थे वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ये बहुत ज़्यादा लैंड रिवेन्यू से परेशान हो गए थे और वो भी इसीलिए इसके पार्ट थे, ठीक है। लेकिन मदारी पासा क्या था, वो नॉन वायलेंट करना चाहता था चीज़ें, जबकि महात्मा गांधी जी जो है वॉयलेंस सॉरी मदारी पासा वॉयलेंट करना चाहता था, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल के खिलाफ थी, इसलिए फिर वो धीरे धीरे कांग्रेस ने उसका साथ छोड़ा और फाइनली जो है उसको ख़त्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो इसके बाद फिर जमींदार तो तालुकदार और का जो है सामाजिक बहिष्कार करने के लिए प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबीबंद आंदोलन चलाया गया। फिर ये प्रोफेसर एन जी रंगा, इंदुलाल याग्निक, स्वामी सहजानंद के प्रयासों से लखनऊ में फाइनली अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन हुआ 1936 में, ठीक है, 1936 में हुआ था फाइनली किसान सभा का आयोजन। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ज़रूर आप इसमें याद रखिएगा ये चीज़, ठीक। तो AIKS यानी कि ऑल इंडिया किसान सभा, ये कहाँ पे फॉर्मड हुई थी, ये हुई थी लखनऊ सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और ये कब हुई थी आपकी 11 अप्रैल 1936 में, ठीक है। इसमें जो है पहला प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती को, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद फिर 1937 में जो आपका ये इलेक्शन हुए थे सबसे पहले देश में, अगर आप देखें उसमें 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुए थे, उसमें अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने वैसे टोटल मिला के देश में पहली बार देखिए वो हुआ था इलेक्शन 1937 में, और 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, ठीक है। कई जगह प्रांतीय इलेक्शन भी हुए थे, उसमें अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में 228 विधानसभा सीटों में से 134 सीटें कांग्रेस ने पाई थी और सरकार बनाई थी। इसमें प्रधानमंत्री या फिर उस टाइम के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, और भी कई सारे प्रांतीय में जो है कांग्रेस की सरकार थी। फिर भारत छोड़ो आंदोलन आया, उसमें भी फिर ये जो है भारत छोड़ो जब प्रस्ताव पारित हुआ, अच्छा ये बताइए भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था सबसे पहले, गांधी जी ने नहीं दिया था, गांधी जी ने उसको यूज़ किया था बस, ठीक है। ये अभी बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है इसलिए पूछ रहा हूँ, प्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। इसमें जैसे ही ये पास हुआ 9 अगस्त को ही सुबह सुबह सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, गांधी जी को पुणे के आगा खां जो है जेल में रखा गया था, और ये जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद के नैनी जेल में रखा गया था, ठीक है। तो ये आप ये याद रख सकते हैं। उसके बाद इसकी जो है पूरी की पूरी बागडोर 1942 वाले की जो यूथ लीडरशिप थी उन्होंने संभाली थी, ठीक है। कई सारी अगर आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कई सारी पैरेलल गवर्नमेंट भी बनी थी इंडिया में, जैसे बलिया में बनी थी चित्तू पांडे ने, तमलुक में बनी थी बंगाल में, सतारा सतारा जो है महाराष्ट्र में बनी थी। सबसे ज़्यादा जो है चला कौन था, सतारा वाली जो है, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है प्री के लिए। मतलब कुल मिला के बलिया में जो है पूरी की पूरी सत्ता अपनी कर दी थी चित्तू पांडे ने। फिर ये धीरे धीरे लास्ट स्टेप है इसमें, मुगल काल के बाद जो है
प्रदेश के उत्तरी हिस्से के कई जिले अवध के नवाबों के अधीन हो गए थे, पश्चिम के कुछ जिले जो है दिल्ली के नियंत्रण में थे, और दक्षिण पूर्व तथा पूर्व के यानी कि साउथ ईस्ट और ईस्ट के कुछ जिले बंगाल प्रेसिडेंसी में थे। बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी में से जो है प्रदेश के बाकी हिस्सों को अलग कर दिया गया और आगरा प्रेसिडेंसी बनाया गया। 1836 में इसको उत्तर प्रदेश प्रांत का नाम दिया गया, ठीक है, और उसके बाद इसका मुख्यालय बनाया गया आगरा, नहीं उत्तर प्रदेश नहीं था ये, उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम दिया गया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का नाम कैसे था, 1836 में था उत्तर पश्चिम प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ये प्रोविंस, ठीक है। 1877 में क्या हो गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। फिर 1902 से क्या हो गया, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। 1937 से हो गया ये केवल संयुक्त प्रांत यानी कि हो गया यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 से हो गया उत्तर प्रदेश, इसीलिए यूपी डे को मनाते हैं 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 1921 में प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कर दी गई थी। 1902 में जो है इसको संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कहा जाने लगा यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, ठीक है। आज़ादी मिलने के बाद फिर ये 24 जनवरी 1950 को बना है फाइनली उत्तर प्रदेश, इसीलिए इसको यूपी डे बोलते हैं। 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ। 9 नवंबर 2000 को प्रदेश के 13 जो है जो माउंटेन वाले डिस्ट्रिक्ट थे वो उन सबको काट के उत्तरांचल यानी कि अब जो है उत्तराखंड बना दिया गया। अभी तक इसमें जो है टोटल 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, मोदी जी को भी मिला के, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह और चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद अगर आप देखें तो सबसे पहली जो राज्यपाल बनी थी उत्तर ये संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, और पंडित गोविंद बल्लभ पंत प्रथम मुख्यमंत्री थे, और पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ये सब मैंने भी यूपी की जीके में बता रखा है, इसमें बस मेनली एक हिस्ट्री का वो था। काफ़ी बड़ा सा लेक्चर रही है लेकिन पूरी हिस्ट्री आपकी लगभग जो है कवर हो गई होगी। कोई फैक्ट अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बोल दिया है, कई बार होता है ऐसे, कई बार बोलते बोलते जो है चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन नहीं क्योंकि यहाँ लिखा भी हुआ है तो आप पढ़ भी सकते हैं आराम से। फिर भी बताइएगा जरूर कमेंट करके, जितने क्वेश्चन पूछे हैं उसको बताइएगा। और कोई अगर ऐसा कर सके कि अपनी भाषा में जो मैंने जितनी चीज़ें लिखी हैं एक उसकी समरी या फिर प्रेसी राइटिंग, आप जानते हैं हिंदी में यूपी में होती है यूपी पीसीएस में, तो जितना मैंने लिखा है उसकी प्रेसी राइटिंग करिए 1/4 शब्दों में, और उसको जो है कमेंट के माध्यम से करिए, उसको पिंड करके दे दूंगा ताकि सब लोग पढ़ सकें। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। आप हमारा फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन, देखिए ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें करीबन 99,000 लोग हैं, 1 लाख जल्दी से पूरे कर दो इसको। यूट्यूब में अगर आप हमारे फॉलोअर हो तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यूपी पीसीएस के कुछ रिजल्ट्स हैं, रैंक 7 जो एसडीएम है उनका कमेंट है, ये थोड़ी देर पहले ही आया था, आप देख सकते हैं इसको पॉज करके क्या कमेंट है, खुद पढ़ सकते हैं इसको। पापा वीडियोज़ जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, उसके बाद ये और भी हैं। टोटल मिला के यूपी पीसीएस 2017 में अगर आप देखें फाइनली 12 लोग जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से एसोसिएटेड हुए, 3 तो हमारे डायरेक्टली पेड ग्रुप से थे, और उसमें से 9 लोग ऐसे थे जो लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियो देखते थे, कुछ तो ऐसे थे जो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही वीडियो देखते थे। तो ऑल द बेस्ट है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।